लॉकअप से इन तीनों गुंडों को मेरे पास लेकर आओ जल्दी। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। शिवा के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसकी कॉपी लेकर आओ। चिंता मत कीजिए सर। देखो सर की जान को खतरा है, इसीलिए ये हमसे मदद मांगने आए हैं। तो SCP गुरु, दरअसल मैं चाहता हूँ कि इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम ले लो, ये बेफिक्र हो जाएंगे। I'm sorry, सर। मैं प्रभाकर मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ, उसमें एक सबूत मेरे हाथ लगा है। उस केस को मैं छोड़कर किसी और केस पर कैसे काम कर सकता हूँ? मिस्टर गुरु, ये होम मिनिस्टर का पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है और मेरा ये ऑर्डर है कि ये जिम्मेदारी तुम निभाओगे। ACP साहब किसी और केस पर काम कर रहे हैं और आप उसे छोड़कर मेरी हिफाजत करने के लिए बोल रहे हैं, आपका एहसान रहेगा DGP साहब। आजा। हाँ भाई। घबरा क्यों रहा है? बिंदास आजा। क्या बे शिवा, इस गुरु को देखकर घबरा गया? अब ये तुझे पकड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, इसकी ड्यूटी बदलवा दी मैंने। अब ये मेरी हिफाजत करने वाला बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी। अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजा आजा। ए, सुन ले गुरु, अब समझ आया तुझे मैंने अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया? आईना अकल ठिकाने, ये शिवा मेरा बच्चा है, इसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है। अगर इससे खरोंच भी आई तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, इसलिए इसका पीछा करना छोड़ दे। अगर नहीं माना तो सुन ले, फिलहाल एक हफ्ते के लिए प्रोटेक्शन मांगा है, वो एक महीने का भी हो सकता है और एक साल का भी। और तो और, जब तक रिटायर नहीं हो जाते तो पुलिस की वर्दी में रहोगे लेकिन करोगे वॉचमैन का काम। और तू कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे कुछ हुआ तो सरकार को जवाब देना होगा, इसलिए दिल के बदले दिमाग से फैसला करना। हे शिवा, चल एक जाम हो जाए। देखा भाई, आपसे लड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, एक ना एक दिन उसे आपके पैरों में आना ही पड़ता है। Cheers, भाई। वेलकम गुरु, पैर पकड़ने आए हो क्या? मैंने हजारों को देखा है, भाई के ताकत के आगे अच्छे से अच्छे झुक जाते हैं। तू भी जा झुक जा, जाना। जो देख गुरु, हाथ मिलाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दोस्त नहीं होगा और हाथ उठाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। मैंने काफी सोचा सर कि यह शिवा आपकी जान है, ऐसे कुछ हुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसे मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? अब आपसे हाथ मिला ही लेना चाहिए, यही मेरा फैसला है। हे शिवा, घबरा रहा था ना? ये मुझसे उलझ रहा था, गुलाम बना के रख दिया इसे मैंने। आखिर इसे झुकना ही पड़ा ना। बोल गुरु, क्या चाहिए? बोल बोल, मांग। और क्या चाहिए होगा मुझे? मुझे तो बस इसकी जान चाहिए। ये क्या किया तूने? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। कुछ भी हो जाए, सरकार को जवाब तो देना ही होगा ना। मैं जरूर दूंगा कि यह गुंडा तुझे मारने आया था, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैंने इसे मारा। क्यों, झटका लग गया क्या? इसी वक्त तुझे मारकर एक और लाइन जोड़नी पड़ेगी मुझे कि इसने तुझे मारा और तेरे बचाव में मैंने इसे मारा, लेकिन मेरे प्रोटेक्शन में अगर तू मारा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, समझा? और हां, वो क्या बोला था तूने?
हाँ, जिंदगी भर मुझे वॉचमैन बना कर रखेगा। बना ले, मैं तैयार हूं। रास्ता बंद है, आपको घूम के जाना होगा। क्यों, आज रास्ता बंद क्यों है? शायद तुम इस शहर में नए हो। आज मानिक राव के बेटे का हैप्पी बर्थडे है, इसलिए ऑर्डर है। पैदा होकर उसने हम पर एहसान किया है क्या? अगर रास्ता बंद नहीं किया ना तो सबके रास्ते लग जाएंगे, समझे? हाँ, आने दो आने दो, ले लो यूटर्न आगे से। नमस्ते मालिक। नमस्ते 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 सर, एमएलए और एमपी दोनों आ गए। थोड़ा सब्र करो, पूरा पार्लियामेंट आएगा। मानिक साहब के बेटे का जन्मदिन है, इनविटेशन नहीं ऑर्डर है ये। आप लोग खाना खाकर जाना। बेटा बेटे, आज तेरा जन्मदिन है, पूरा शहर तेरे जन्मदिन का जश्न मना रहा है। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। मालिक, क्या है? अपने शहर में एक ठेके की नीलामी हो रही है, आप जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं करेगा, नीलामी बस शुरू होने वाली है। हाँ, सब लोग जश्न मनाओ, मैं आता हूँ बेटा, एंजॉय। ओके, ये पटाखे फोड़ के वक्त स्कूल में आग लग गई। अरे फायर ब्रिगेड को भी नहीं बुलाया? बुलाया था, दो ही गाड़ियां हैं और वो दोनों के दोनों मानिक राव के घर में ही है। सर सर, पास के स्कूल में आग लगी है, वहाँ फायर ब्रिगेड की जरूरत है, जल्दी से कुछ कीजिए सर, वरना खतरा बहुत बढ़ेगा, बच्चों की जान खतरे में है सर, हमें फौरन कुछ करना होगा। क्यों भाई, शहर में नए हो क्या? मानिक जी की इजाजत के बिना गाड़ी निकाली तो वो हमारी जान निकाल देंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? इतना हंगामा क्यों कर रहा है भाई? वहाँ स्कूल में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की जरूरत है, प्लीज कुछ। फायर ब्रिगेड 5 बजे फंक्शन खत्म होगा, उसके बाद ले जाना। भाई तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब मैं मानिक साहब से खुद जाकर। ए, लगता है बात तेरे दिमाग में नहीं घुसेगी। अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जरा सी भी खरोच आई ना तो मानिक राव के बेटे को जिंदा चला दूंगा, इसलिए जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड वालों को स्कूल में भेजो। Go!
शांत शांत हो जाओ बच्चों, कुछ नहीं होगा। अच्छा मैडम आप बच्चों को संभालिए, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए आपसे घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सारे बच्चों को एक जगह जमा कर दीजिए। अरे बेटा कुछ नहीं होगा। फायर ब्रिगेड वाले आ गए, आग बुझा देंगे। फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं, डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। भाई मेरा बर्थडे। तू अपने बर्थडे में सिर्फ एक कैंडल बुझाकर केक काटता और सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन जरा यहाँ पर देख, तूने यहाँ आग बुझाकर बच्चों के फ्यूचर को बचाया है। वैसे नाम क्या है तेरा? छोटा कोटे मानिक राव। अच्छा बच्चों अब फटाफट भाई को बर्थडे विश करो। बाय बाय, शुक्रिया। ये नहीं सोचेगा, जरूर किसी से झगड़ के आया है। अरे बस बहुत हुआ, फौरन यहाँ से जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, आज के आज ही चले जाओ। पापा कह रहे थे कि उसे यहाँ भेज दो, पर मैंने ही मना कर दिया, उसी की सजा मिली मुझे। पता नहीं किसके साथ झगड़ा बोलकर आए हो। खाओ ना। लड़ झगड़ कर आया है और बेशर्मों की तरह बैठा है। अरे दीदी इतनी बच्चों की जान बचा के आया हूँ, आपको तो नाज होना चाहिए मुझ पर, मेरी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आप तो मुझ पर गुस्सा कर रही हो। अरे थोड़ा मुस्कुराओ ना दीदी। मैं मुस्कुराऊँ? जो कांड करके आए हो उसके लिए मुस्कुराऊँ? क्या दीदी छोटी सी तो बात है। वहाँ जाकर शांत रहना, पापा को टेंशन मत देना। सुनो भैया, भैया क्या है? भैया जरा इसे स्टेशन छोड़ देना प्लीज। 200 रुपया लगेगा। अरे शांत हो जाओ। बहुत हुआ। अरे क्या बोल रहा है ये दीदी? जाने दो। सुनो भैया मैं 300 दे दूंगी, बस इसे यहाँ से ले जाओ। अरे मुझे रुपया नहीं चाहिए, आकर बैठ जाओ लाइन पे। आओ साहब। दीदी जा रहा हूँ, चलता हूँ। जी ओके। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। डर में जिंदगी निकल जाएगी इनकी। चलना साथ। चलो दीदी अपना ख्याल रखना, आराम से जाना। देख रहे हो क्या किया उसने? ऐसे कोई करता है क्या? सिर्फ दो दिन के लिए उसे वहां भेजा था, वहां के नामी गुंडे से झगड़ा करके मुसीबत मोल ले ली उसने। तुम सब हमेशा आवारागर्दी करते फिरते हो, काम धंधा तो कुछ है नहीं, सबके सब बर्बाद है। लगता है गुरु अन्नू के यहाँ से कोई कांड करके आ रहा है और हमेशा की तरह उसका बाप उसके दोस्तों की क्लास ले रहा है। तुम्हारा दोस्त है, कुछ समझाना चाहिए ना। अरे बच्चा है, समझ जाएगा, आप बेवजह टेंशन मत लीजिए। अरे बच्चों पर गुस्सा नहीं करते, बड़े हो गए हो, समझ नहीं है क्या? बात बोल रहे हो तुम सब लोग? बोल रहा हूँ उसे समझाओ और तुम लोग मुझे ही समझाने लग गए। चमड़ी उधेड़ दूंगा सबकी। क्यों गुरु ठीक हो ना? अच्छा हूँ भैया। उस तरफ मत जाइए। क्यों? पापा वहाँ आपके दोस्तों की परेड ले रहे हैं, अभी यही रुक जाइए, पापा का दिमाग ठंडा हो जाएगा ना, तब चले जाना। साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हो ना? बहुत बढ़िया। अबे गुरु कहाँ था तू? अरे हुआ क्या? अरे सुबह से तेरे पापा ने कान से खून निकाल दिया है, इसने कभी दांत नहीं घसा, आज तेरे बाप की गालियाँ सुनने के बाद इसने शुरू कर दिया, आज तेरी खैर नहीं है। हाँ मेरा बाप कैसे मानेगा मुझे अच्छे से पता है, चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चल ना। अरे श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय हो, श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय हो, श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय हो। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो जीते रहो। आशीर्वाद मिल गया। तुम लोग ये क्या ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे? माफ कर दीजिए ना इसे। हाँ पिताजी माफ कर दीजिए ना पिताजी। चल सबको माफ कर दे। देख बेटा बात को समझ। हाँ। तू हमेशा खुश रहे इसीलिए मैं यहाँ रोजाना आके माथा टेकता हूँ, और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरा आईपीएस में सिलेक्शन भी हो गया, अगले 2-3 महीने में तुझे पोस्टिंग भी मिल जाएगी। लेकिन मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि पोस्टिंग के पहले ये लड़ाई झगड़े करके तू अपना करियर बर्बाद ना कर ले। हाँ पोस्टिंग से पहले तुम लोग घूमो फिरो मस्ती करो। ये मंदिर है, शांत रहो, चुप हो जाओ सब। पूरे 50 रुपए खर्च करके ये बिस्किट खरीदे हैं, कम से कम 50,000 का झोल तो होना ही चाहिए। अरे वाह थिएटर तो हाउसफुल जा रहा है, कोई ना कोई बकरा तो फंस ही जाएगा।
अभी ये क्या किया? इतनी सुंदर लड़की पे बाइक चढ़ा दी। ओ हेलो, कैसे गाड़ी चला रहे हो, अंधे हो क्या? लो भाई, मटक मटक के सड़क के बीच चल रही हो और हम पे भड़क रही हो। भाई से अदब से बात नहीं कर सकती हो क्या? नॉनसेंस, स्टूपिड। अरे गुरु, ये स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती है। चलो हम लोग फिल्म देखते हैं, छोड़ना। दिव्या, बहुत ज्यादा लगी क्या? चोट पे ठंडे तेल से मालिश करना, सारी चोट गायब हो जाएगी। एक तो चोट लगा दी, ऊपर से मजाक उड़ा रहे हो। इलाज बता रहे, तुम कुछ भी कहोगी? बवाली कहीं के, चलो। ओ, बहुत लंबी लाइन है यार, टिकट कहाँ से मिलेगी? अबे हीरो जैसा दिखता है, कोई खूबसूरत लड़की सेट कर ले, टिकट आराम से मिल जाएगी। दिव्या बहुत भूख लगी है यार। अंदर कैंटीन से कुछ ले लेंगे। यहाँ तो सब लड़कियाँ ही हैं। आंटी जी, मेरे लिए 2 टिकट खरीद सकती हैं प्लीज? इडियट, मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ क्या? यहाँ से दफा हो जाओ वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। कंप्लेन करोगी? करो ना, करो ना, चलते हैं। करो, चल के सनी लियोनी की फिल्म देखते हैं। छोड़ यार, माय फुट। इलाज बताया है, जरूर करना। क्यों बेटी, गले में सोने की चेन नहीं पहनती हो क्या है? अरे गुरु, उन लड़कियों को छोड़, उधर तो देख, अपना काम हो गया यार। मौसी, मौसी और मैं, मौसी जी, कौन भतीजे को नहीं पहचाना? हम वेलोर में आसपास रहा करते थे। मैं तो वेलोर के जेल में थी, ये मेरा भतीजा कहाँ से आ गया? लगता है शाना बन रहा है, अभी लपेटती हूँ। अरे हाँ भतीजे, तू तो मेरी सौतेली बेटा ना। मौसी, तुम पिक्चर देखने आई हो? ये चेन ना बहुत मस्त है। अरे चेन, जैकी चेन, जैकी चेन। अरे वो हाइट कम हाइट ज्यादा की तो मैं दीवानी हूँ। गजब का आदमी है वो, दीवार पर छिपकली की तरह आसानी से चढ़ उतर जाता है। एकदम कार्टून लगता है वो। अरे वो रे, मौसी हमारे लिए भी 2 टिकट ले लो। अरे क्या राजा, बस इतनी सी बात? अरे आज मेरा पहला कस्टमर तू ही तो है रे। इस दूसरे की नजर कहीं और है और हाथ मुझ पर है। ए हीरो, सुनो, अपना हाथ ठीक से रखो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए कंधे पर रख देता हूँ। यू तो यहाँ पीछे देख आए हो या लड़कियों को छेड़ने? शर्म नहीं आती क्या तुम ऐसा करते हुए? चुप रहो, हम लोग एक समझौता कर लेते हैं। क्या? इंटरवल तक तुम अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो, फिर इंटरवल के बाद मैं अपना हाथ तुम पर रख दूंगा। तुम औरत, तुम्हें खून कर दूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं इसे देखती हूँ। अरे हाँ भाई, बैठ रहा हूँ। इतनी अच्छी है, ये लीजिए। हेलो हेलो, पिक्चर कब की खत्म हो गई है? हेलो मैडम। ओह नो, मेरे तो सारे जेवर चोरी हो गए। बाप रे, लगता है बिस्किट वाले ने तुम्हारे गहने चुराए हैं। ओह नहीं, अरे कहाँ ले जा रहा है मुझे? अबे चल ना यार। अरे क्या हुआ वो तो बता। अरे क्या बोलना, पढ़ इस अखबार को, ध्यान से पढ़, पढ़ इसे, देख इसमें क्या लिखा है। अरे क्या यार, ये तो बहुत बुरी खबर है। हम लोग उस बिस्कुट भाई की गैंग के मेंबर है, ऐसा लिखा हुआ। एक बात बता, हम सब लंगोटी यार है ना, इसमें कोई शक है तो क्या? लूटे हुए माल पर हमारा भी हक है ना। हक चाहिए, तू ही सच्चा दोस्त है मेरा। एक तो उस लड़की ने हम मासूमों पर चोरी का इल्जाम लगाया और तू उसे सब साबित कर रहा है। अबे बेवकूफ, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? ओवर एक्टिंग करके तूने बिस्कुट भाई को मौसी बना लिया, देख रहा है ना क्या हुआ? अखबार के पहले पन्ने पर नाम छप गया हमारा। भाई मैं वो तो बैग, चुप तेरी। क्या भाई, हम लोग थिएटर में मिले थे, याद है ना तुमको? ए चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, चल अब निकल यहाँ से। चल निकल ले। अरे भाई वो हमारे सामने है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ, तेरा बाप आया क्या? बाप नहीं है, माँ है, उधर देख तेरी की। अरे बैठ जा भाई, मेरे बैठ 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 आराम से। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि तू जो है,
तुम क्या लोगी? चाइनीज। करके खा। अरे रुक ना यार। कैसी बात कर रहा है ना? कोई ऐसा कर रहा है क्या? छोड़ो जाना यार मुझे यहाँ से। जेवर चोर? हेलो। रॉन्ग नंबर है। खड़े हो जाओ। ए, मोहतरमा तुझसे कह रही है। चुपचाप खड़े हो जाओ। तुम भी। तू भी उठना। उठ जा। चोर कहीं के? ए, ओए। चोर किसको कह रही हो? उस बिस्कुट भाई के साथ मिलकर चोरी करते हो ना? तुम्हें चोर नहीं तो और क्या कहूँ मैं? दीदी बात को समझो, वो बात ऐसी है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना समझना, सीधे पुलिस को बुलाती हूँ। तो बुलाओ ना, डरता हूँ क्या मैं? पुलिस को बुलाने गई हो? चल जल्दी। चोरी करते हैं और ऊपर से आकर दिखाते हैं। सुनो सुनो, सच में जा रही हो क्या पुलिस के पास? अरे बात को सुनो। अरे भाई जब भी ली है पति मत लेना। तू एक आईपीएस ऑफिसर से दुश्मनी बोल रही है? What, IPS? मैं नहीं, ये है। ओए, आईपीएस का नाम लेकर बचना चाहते हो? मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया क्या? अरे इतनी बातें मत कर, आईडी कार्ड दिखा। ये रहा इसका आईडी कार्ड। वी परम गुरु आईपीएस। मेरा आईडी कार्ड दो। तुम्हें पता है मैं कौन? नहीं नहीं ऐसे नहीं। पूछ लेना ये कौन है। लॉ कर रही हूँ मैं। हो गया कांड। सबर कर दोस्त। अबे तू आईडी कर रहे थे डराने के लिए? ऐसा भी क्या है इस कार्ड में? ये मेरी जिंदगी है मैडम। अभी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करके आए हो और अभी तो तुम्हारी पोस्टिंग भी नहीं हुई, तब तक चोरी करोगे? वकील से पंगा लेने का मतलब पता है तुम्हें? नहीं जानते। मुझे ये बताओ सेक्शन 302 क्या होता है? चलो बताओ। कभी बात नहीं हुई उसकी। तूने मेरा आईडी कार्ड दिखाकर मेरी नौकरी खतरे में डाल दी। आईपीएस की आईडी थी, सोचा था निकल जाएगा तू। ओए सुन, क्या हुआ? अगर तुम्हारे नाम पर एक भी कम्प्लेन हो गई ना तो तुम्हारी नौकरी तो गई काम से। खाकी और काले कोट के बीच जंग छिड़ गई। मेरे बर्थडे से पहले मेरे सारे सेवा लौटा देना और आईडी ले जाना। एक साल का वक्त है, लौटा लेंगे। ना मुन्ना ना, मेरा बर्थडे अगले हफ्ते है, नेक्स्ट वीक। तो लग जाओ बेटा काम पर। अरे सुनो, आजकल के चोर भी हैंडसम होते हैं देख। हाँ जेवर ही नहीं, दिल भी चुरा लेते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा होशियार रहना चाहिए। ये तो सही कहा तूने। अरे क्या हुआ बेटा? पापा, इसी ने हमारे जेवर चुराए थे पापा। अरे इसे तो मैंने यहाँ बुलाया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? क्रिमिनल लॉयर हूँ, सब कुछ पता है। शहर में जहाँ भी चोरी होती है उस चोरी का सामान खरीदने वाले कुछ ही लोग हैं। मैंने बात मार्केट में फैला दी थी, जैसे ही माल बेचने आई सेठ इसे यहाँ लेकर आ गया। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा पार्टनर? पार्टनर? मैं सिंगल ही धमाल मचाती हूँ, मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हें मौसी कह के बुला रहे थे वो कौन थे? वो तो फिल्म का टिकट लेने के लिए मुझे अपनी मौसी बना लिया था। जैसे ही फिल्म खत्म हुई दोनों गायब हो गए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे सज्जी जेवर दो ना जल्दी, ये लो तुम्हारे जेवर और बांट लो। आज से हमारा भी रिश्ता खत्म, दुआओं में याद रखना। कहाँ भाग रही हो? जो नुकसान हुआ है उसे भरना भी तो है ना। वकील की बेटी है तो बोर्ड लगा के घूमना चाहिए। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं हे भगवान। अरे तो इतने टेंशन में क्यों लग रही है? जेवर तो मिल गए ना? ऐसा नहीं है, आईपीएस ऑफिसर को मैंने चोर समझ लिया था। मुझे उसकी आईडी लौटानी होगी और उससे माफी भी मांगनी होगी। इस बार भी तुम्हें टॉप करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, बाय। बचकर निकलना चाहते हो? नहीं। मेरे जेवर कहाँ हैं? अब वो। अरे ये क्या? मुझे तीन चीजों से सख्त नफरत है, चोरी करना, झूठ बोलना और दिल चुराना। अबे ओवरएक्टिंग कर रही है। हाँ तूने सही कहा। और जिस चीज से मोहब्बत है वो है नेकी, ईमानदारी, इंसाफ और सच। तुम पर रहम आ रहा है मुझे, इसलिए एक हफ्ते का और टाइम दे रही हूँ। मुझे मेरे जेवर चाहिए, नहीं तो तुम जेल में। दिव्या, ये क्या? उससे माफी मांगने के बदले उसे धमकी दे रही थी। ज्यादातर छेड़ने से शुरू होकर प्यार होता है, यहाँ प्यार होने के बाद छेड़ रही हूँ उसे। बस देखते जाओ आगे क्या होता है। अरे वो बिस्किट भाई को कहाँ ढूंढे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या कर सकते भाई, चप्पा चप्पा ढूंढ मारा लेकिन वो दिख नहीं रही है। हाथ में आने दे, फिर अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आज तो मजबूत झोल होने वाला है। उधर देख, हमारी मौसी सामने खड़ी है, लगता है इधर भी बिस्किट खिलाने वाली है। अकेली झूला झूलने आई है या दोस्त के साथ आई है? भूख लगी होगी ना, ये ले बिस्किट खा ले।
ए, शान गदाधारी भीमशान, इस मौसी के साथ हम शकुनी वाली चाल चलेंगे। हम दोनों मिलकर उसे दबोच लेंगे। चक्रव्यूह में खेलेंगे। हैंड्स अप। हैंड्स अप। मेरा तो दिमाग से ही निकल गया था, चोर पुलिस के इन दो लफ्जों से डरते हैं। और पता होता तो? अबे पता होता तो इसके पीछे भागकर मैं अपने जूते थोड़ी खराब कर रहा होता। अरे वो सब छोड़ो यार। ओए चोर, क्या है? चल वो जेवर निकाल। अरे कहाँ से निकालो? तू भी ना, उस लड़की का बाप शहर का बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है, उसने पहले ही बात फैला दी थी, जेवर बेचने गई तो पकड़ी गई, सारे जेवर वापस करने पड़े। क्या कहा? सारे जेवर लौटा दिए तुमने? हाँ, अगले दिन। अरे अफसोस की बात तो ये है कि एक औरत के गले से 50 तोले की चैन चुराई थी, वो भी ले ली उस जालिम ने। मासी दुख हो रहा है क्या? ओए गुरु, हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। जेवर मिल गए फिर भी हमको जेल जाने की धमकी देती है। हेलो। हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। अबे दिव्या का फोन है। हाँ बोलिए मैडम। क्या ये सब? तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका, अगर आज मेरे सेवा नहीं मिले ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगी? ऐसी बोलेंगी आप? अगर जेवर नहीं मिले तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। झूठी, अभी भी ड्रामा कर रही है, उसको बोल दे कि हम आ रहे हैं। हेलो मोहतरमा, तुम जल्दी से फैशन इंस्टीट्यूट के पास आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। अगर आने में वक्त लगेगा तो मैं जिंदा नहीं मिलूंगी। अरे नहीं मोहतरमा, आप जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे जेवर लाए हो? हाँ। पता था, तुमने तो वो बेच दिए होंगे ना, चोर, चिंदी चोर। उस जेवर के बिना मैं नहीं जी सकती, इसलिए मैं खुदकुशी करने के लिए जहर भी साथ लाई हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ए मौसी, चल के हकीकत बता सबको। मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम चैन से नहीं जी पाओगे, मेरी दुखी आत्मा तुम्हें दुख दर्द और पीड़ा देगी, और मैं भूत बनकर तुम्हें परेशान। बोल बोल, लेके आ गए, बोल। बोलो क्या कह रही थी? फिर से चिपक गया। क्या बोल रही थी? चोर, लुटेरा, डाकू, ये सब बोल बोलकर जीना मुश्किल किया था, क्यों कर रही थी ये सब? इसलिए? किसके लिए? अरे सीधा मांग लेती, मुझे बीच में क्यों घसीटा? क्यों रे गधे, तेरी ही प्लानिंग थी ना ये, तेरी तो। गुरु की दीदी को फुल सिक्योरिटी में लेके आए हैं, वो भी जेड प्लस सिक्योरिटी। अरे आइए दामाद जी। आओ बेटे, पापा के साथ रहने की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब तुम्हारा लाड़ तो खत्म हुआ समझो बेटा। सर आपने नौकरी दी थी, आपका एहसान है, अब सरकारी नौकरी लगी है, कल से ज्वाइन करना है, मेहरबानी करके जाने दीजिए, जिंदगी का सवाल है सर, मेरे डॉक्यूमेंट लगा दीजिए सर, एहसान होगा आपका। डॉक्यूमेंट चाहिए ना? दे दूंगा, 1,00,000 रुपए दे दे और ले जा। सर 1,00,000 रुपए? 1,00,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? हाँ। सर मेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं है आपको देने के लिए, सर्टिफिकेट के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। सर मुझ पर रहम कीजिए सर, मेरा डॉक्यूमेंट लौटा दीजिए सर, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। गिड़गिड़ा सर, नौकरी मांगोगे फिर सरकारी नौकरी लग जाए तो भाग जाओगे, हम यहाँ दाद घिसते बैठे रहे क्या? चुपचाप 1,00,000 कर दो, नहीं तो यहाँ से चलते बनाओ, होशियारी किया तो डॉक्यूमेंट जला दूंगा। सर सर भगवान के लिए डॉक्यूमेंट मत जलाइए प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर, सर प्लीज चला। वापस देने से मना करने वाला कौन है वो राक्षस? वो आदमी है। Oh!
निकाल सर्टिफिकेट्स निकाल। ये क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या? क्या है ये सब? खुलेआम तुम यहाँ सड़क पे लड़ाई झगड़ा? ये गरीबों के साथ नाइंसाफी करता है, इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए इसके कितने हाथ पैर जोड़े, लेकिन इसने कृष्णा पर हाथ उठाया। जब मैंने इसे मारा तो इसने कृष्णा के डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए। देख, इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहे बेटा। इतनी बार तुझे समझाया लेकिन तेरे दिमाग में बात घुसती क्यों? सब समझता है पापा, लेकिन आप ही नहीं समझते। इन जैसे लोगों का खौफ है आपको, इसलिए ऐसे लोग हम पर हावी होते हैं। छोड़ दो, जाने दो। ये सब कहने की बजाय अगर आप ये कहते कि जाकर अपने हिसाब से संभाल लो, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यही लोग आपके घर आकर सर्टिफिकेट्स दे जाते। ए, तुझे पता नहीं तूने क्या किया है? असली खेल अब शुरू होगा। ए, तू गुंडा है, हमारे जैसा नहीं बन सकता, लेकिन मैं जब चाहूं तभी किसी भी वक्त गुंडा बन सकता हूं। याद रखना, समझा बेटा? चलो ये सुनो, लेके जाओ इसे। यही रहना है आपको? छे 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 छे, ये कहां लेकर आ गया तू मुझे? हमेशा महल में रहने वाली हस्ती को इस छोटी सी बस्ती में लाके पटक दिया है तूने। गुरु, अपने मामी के घर पे कोई सूरत है? बस सिर्फ गुंडा आया हुआ है, एकदम सर्टिफिकेट वाला गुंडा है, खा के सूजा भी है। लोग कह रहे थे किसी जेल से छूट के आया है। ए, शायद उसे पता नहीं यहाँ का गुंडा एक ही है, वो अपना भाई है। रे 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 रे, क्या जगह है ये! सुबह पब्लिक का शोर और रात में भजन कीर्तन, दिमाग घुमा के रख दिया है। अब ये खिड़की बंद करा। और बता कैसा है रामास्वामी? तेरा नाम लिया इसलिए हैरान हो रहा है क्या? हैरान होने की जरूरत नहीं, तिरुचि में तेरी हुकूमत है, लेकिन पुरानी चेन्नई का बादशाह मैं हूँ। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ भाई। तूने अब तक 18 मर्डर किए हैं, लेकिन मैंने 28 किए हैं। तेरे 18 और मेरे 28, और वैसे भी 28 नंबर 18 से बड़ा होता है। मैं यहाँ बड़े भाई के कहने पर आया हूँ। इस बैग में पूरा 10 पेटी है। क्या बोला? इसमें 10 पेटी है? कमिश्नर की सुपारी दे रहा है? अरे भाई भाई, आप बोल रहे थे ना कि किसी को टपकाने का मन कर रहा है, हाथ में खुजली हो रही है, मिटा दें क्या? हेलो, सुनो रामास्वामी, तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बाहर निकाला है, उस राजपुरा के कमल का विकेट लेने के लिए। बहुत नाटक हो गया उसका, मार डालो उसे। तू बोल या मत बोल, ये तो आज गया। खत्म कर दो। अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। क्या भाग रहा है? पकड़ो उसे। ये कौन है? इसे क्यों तोड़ रहा है? मुझे मत मारो रामास्वामी।
स्वामी, मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। चलो अंदर चलो। भाई, मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो, मत मारो भाई, भाई मुझे माफ करो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी भाई। किनी ये सब देख लिया है, इसीलिए वो डरी हुई है। तो पहले अंदर चल, चल कहाँ जा रहा है, चल अंदर। तुम लोग अंदर चलो। अरे कहाँ जा रहा है? लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? अब छोटी, छोटी, हे छुटकी, छुटकी, ए गुरु, ए गुरु, रुकना, मेरी बात सुनना, ए गुरु सुनना, सुनना गुरु, ए मरने वाला चेन्नई का मशहूर गुंडा था और मारने वाला भी गुंडा था। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगी, क्यों झगड़ा चाहता है यार? जाने दे मेरे भाई, मेरी बात मान ले प्लीज। भाई कीमा, भेजा फ्राई, पाया सूप, चिकन चॉपसी, ये सब बड़े ईरानी होटल से मंगाया। क्या कुछ भी बोलता रहता है। अरे ईरान से मंगाया हो या फिर टर्की से मंगाया हो, खाने में लज्जत भी तो होना चाहिए। इतना बुरा खाना मिलता है कि हद हो गई है। तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मेहरबानी करके। सुना पंडित जाने को बोल रहा है मंदिर से भगवान को। शिवा, शिवा, शिवा। तो फिर भेज दूं। हे भगवान। भगवान रहता कहाँ है? इस मोहल्ले में। तो पूरा मोहल्ला खाली करवा दो क्या? भाई मोहल्ले में सब डरते हैं आपसे, औरतें बाहर कदम नहीं रखती। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। मोहल्ला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ पंडित। ज्यादा बोला तो तुझे ऊपर भेज दूंगा, दफा हो जा। बोला तू जा रहा है? बात कर रहा है तू? मेरे घर में रहकर मुझसे ज्यादा गिरी क्या हो गया? तो देखो ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सुबह सुबह इस बुड्ढे को मारूंगा। क्या करूंगा? आइंदा कभी मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा तो पूरा मोहल्ला शमशान बना दूंगा। कहाँ? यहीं पे। डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। पंडित जी आप ठीक तो है ना? माँ कैसी है? गुरु कैसे मारा है? हम बुजुर्ग पर कोई ऐसा हाथ उठाता है क्या? बस एक गलती हुई मुझसे कि रामास्वामी को घर में रहने दिया। आप देखो क्या आश्चर्य किया है। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारी वजह से बच्चे डर रहे हैं, और तो घर के बाहर नहीं निकल रही, घर खाली कर दो। उसने कहा घर खाली नहीं करूंगा, पूरा मोहल्ला स्मशान बना दूंगा। और देखो कैसे मारा मुझे। आप सब्र कीजिए पंडित जी, आपके हॉस्पिटल से वापस आने से पहले ही वो आपके घर में नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे। ए गुरु, छोड़ मुझे। बाहर निकाल। गुरु, गुरु, गुरु क्या कर रहा है? छोड़ो दीदी, आज इनको जान से मार दूंगा। पागल हो गया? दीदी तुम जाओ, उसे क्या कर रहा है? जाओ गुरु, क्यों कर रहा है ये सब? गुरु छोड़, तेरा बाप रामा स्वामी, कमीने, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे दीदी, साथ चल तू। इन कीड़ों को तो मार कर रहा हूँ। बहुत हुआ, आप चुप रहिए दीदी, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। बस बहुत हुआ, आप मुझे छोड़िए, उसे मैं सबक सिखा कर रहूंगा। बहुत हो गया उसका, अरे कितना नाटक करता है वो। अगर उसे ऐसे छोड़ देंगे तो वो किसी को भी मार देगा। दीदी चुप रहो दीदी, उसे लगता है उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इन मोहल्ले वालों की तरह मैं तमाशा नहीं देख सकता।
अरे मार दूंगा उसको। गुरु देखो दीदी, अगर हमारी तरफ कोई उंगली उठाता है ना तो उसका हाथ काट देना चाहिए, मसला ही खत्म। गुरु बस कर। ये सब होने के बाद मैं चुपचाप बैठूं ऐसा नहीं हो सकता। आने दो उसे, सबको देख लूंगा। मैं रामास्वामी सुन रहा ना। ठीक है, जाकर मार दे उसे। जा जा ना, जा। चलो माना कि तुझे किसी का खौफ नहीं, लेकिन जब भी तू झगड़ा करता है पापा का सिर पापा के से शर्म से झुक जाता है, तुझे पता है? क्या तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये क्या बोल रही हो दीदी? हाँ, उस दिन कृष्णा को जो गुंडा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा था उसे भी पीटा था ना तूने? उसके बाद पापा ने तुझे यहाँ से भेज दिया, बस इतना ही पता है ना तुझे? पर असल में क्या हुआ नहीं पता। देखिए, अगर आप पुलिस के पास गए तो मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ओ, ऐसा क्या? अपने बेटे से बोल सबके सामने मेरा पैर पकड़ के माफी मांगे मुझसे। देखिए, मेरे बेटे ने जो भी गलती की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए पापा। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? आपने उस गुंडे से माफी क्यों मांगी पापा? आप मुझसे कह देते तो मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांग लेता पापा। तू इतना बड़ा पुलिस वाला बनने वाला है, क्या तू उस गुंडे के पैर पकड़ के माफी मांगेगा? सुन, तेरे लिए मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं। पापा नहीं, पापा आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। पापा आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं आपसे मैं। कौन था वो भाई है क्या? हाँ भाई। मोहल्ले में नहीं आई हो क्या? अबे क्यों जाना है? सारी खबर होनी चाहिए। हद है यार। चलो उठाओ ये लो, जाओ लाइन से आओ सब लोग। चलो सबको मिलेगा, चलो बारी बारी से सबको मिलेगा। Thank you.
नाम याद रखना रामास्वामी, काट के रख दूंगा। गुस्से पर काबू नहीं था ना बेटा, आज पहली बार तूने अपने दिमाग से काम लिया है। बेटा, जब इंसान के पास ताकत के साथ अकल भी आ जाए ना, तो उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, और तुझे भी कोई कोई नहीं हरा सकता। क्यों रहे हो पापा? तुझे तकलीफ हो रही है ना? मैं जाके दवाई लेके आता हूं। आपके प्यार से बेहतर कोई दवाई है क्या पापा? आपका बेटा हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, ये आप जानते हैं पापा, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए पापा। माफ कर दीजिए पापा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माननीय पुलिस कमिश्नर साहब, मैं अंजनिया कॉलोनी में रहती हूँ। रामा स्वामी जो कंडीशनल बेल पर छूटा है, वो यहाँ आकर रह रहा है। उसके आने से हमारी कॉलोनी में काफी दहशत भरा माहौल है। बुजुर्गों पर हाथ उठाता है, उसके खिलाफ जाने वालों को वो जान से मारने की धमकी देता है। बच्चे खौफ से जी रहे हैं, औरतें घर के बाहर नहीं निकल रही हैं, उसके आदमी लड़कियों को छेड़ते हैं। इसलिए उसकी बेल को कैंसिल करने की आपसे गुजारिश करती हूँ, ताकि हमारी कॉलोनी में फिर से शांति भरा माहौल रहे। नहीं पता इस मोहल्ले से कौन कौन सा बच्चा स्कूल जाता है, सबको मेरे सामने लाओ। सुनो, जल्दी बताओ किसने शिकायत की, वरना मार डालूंगा। मेरे साथ और कोई भी स्कूल जाता है क्या? हाँ, मेरी दीदी विद्या भी जाती है। क्या कहा विद्या? कौन है ये विद्या? क्या किया तूने? पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। माँ मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। सच बता देना। तूने नहीं किया तो किसने शिकायत की? पता है कितना बड़ा गुंडा है वो? लोगों के सामने कत्ल किया है उसने। उसने गुरु को कितनी बुरी तरह से पीटा था, ये बात भूल गई और शिकायत कर रही है उसकी। पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन नहीं। झूठ बोल रही है, बेशर्म कहीं। माँ माँ तुम तो मेरा यकीन करो, मैं शिकायत क्यों करूंगी? माँ मैं आपकी कसम खाती हूँ, मेरी झूठी कसम खाती है। आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे तो मेरा यकीन कौन करेगा? पापा आखिर मैं उसकी शिकायत क्यों करूंगी? विद्या, तू बाहर आती है या मैं अंदर आऊं? ईश्वर, अगर वो अंदर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी बाहर चलकर उसके पैर पकड़ कर माफी मांगते हैं। बेटा चलो, उससे माफी मांग ले। मांग ले माफी। चल बेटा, चल चल चल, माफी मांग ले। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा मैंने नहीं लिखा वो खत, मेरी कोई गलती नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे।
अरे दूसरा कोई रास्ता नहीं है बेटा, मेरी बेटी से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, छोड़ दीजिए, माफ कीजिए भाई, छोड़ दीजिए। तेरी शिकायत करती है, तेरी बुलाते हैं भाई को, अभी दिखाता हूँ तुझे, अब पूरा मोहल्ला देखेगा। लड़की को पकड़ कर ले आओ। भैया प्लीज कुछ तो करो भैया, भैया मुझे बचा लो। Let's go.
दिव्या, जहां मुजरिम रहते हैं वहां आज एक आईपीएस ऑफिसर। अरे रो क्यों रही हो? I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। उस गुंडे की शिकायत मैंने की थी, मेरी वजह से हुआ। क्या कहा? शिकायत तुमने की थी? हाँ, उस दिन उस गुंडे ने तुम्हें पीटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बिना नाम लिखे मैंने शिकायत कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। बिना नाम लिखे शिकायत कर दी तुमने? अरे सीधे अपना नाम लिख देती ना, आगे से अगर शिकायत करनी हो ना तो मेरा नाम लिख कर डाल देना, समझे? बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ तुम। अरे रे 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 रे, पार्क छोड़कर, बीच छोड़कर, थिएटर छोड़कर अब पुलिस स्टेशन में रोमांस करोगे? इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दो। कोर्ट से इजाजत लेकर आई हूँ, पहले इन्हें बाहर निकालिए। वकील साहब। ये ले, इस पे दस्तखत करके छोड़ दे इसे, मुझे सिखाएंगे। अब ये नमूना कौन है? एक तो पहले ही मार खा के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, एक और भर्ती होने आ गया है क्या? सुन गुरु, भाई ने तुझे मिलने के लिए बुलाया। तू मिला ना, अब दफा हो। तेरे केस के मामले में भाई तुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए बुलाया है। भाई के पैर में मेहंदी लगी है, यहाँ खुद आकर मिलने में क्या तकलीफ है? देखकर तो मैं पिघल ही जाता हूं। भाई यही है वो गुरु। महागुरु, दिखने में तो बड़े ही शरीफ लगते हो, लेकिन 10-15 गुंडों की तबीयत से धुलाई कर दी। वो सब तो छोड़ो, वो रामा स्वामी इतना मशहूर गुंडा, वो तो अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी अकेले। दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। ए, हिम्मत जो है ना, उसके लिए ताकत नहीं चाहिए, जिगर चाहिए जो इसका है। मजबूत जिगर है तेरा, गरम खून। सुन, मेरे लिए काम कर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे रुक जरा, थोड़ा सब्र करना भाई, एक एक करके सारे पत्ते खोलूंगा। अब ध्यान से सुन, वो रामास्वामी मेरा ही बच्चा है, वापस जेल नहीं जाएगा वो। उसके खिलाफ तुम्हारी गली से किसी ने कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेंट उसे वापस लेनी होगी। वैसे तुम हो कौन? क्या पूछ रहा है, मैं कौन हूं? मैं मंत्री नहीं हूं, लेकिन उससे ज्यादा रुतबा है मेरा। मैं पुलिस नहीं हूं, लेकिन डीजीपी भी मुझे सलाम ठोकता है। मैं गुंडा नहीं हूं, लेकिन पूरे राज्य के सारे गुंडे मेरे नाम की माला जपते हैं। बेटा, इस वतन में आज तक चाहे कितने भी बादशाह क्यों ना पैदा हुए हों, लेकिन आज तक उन बादशाहों के ऊपर जिसने अपनी बादशाहत की है, वो सिर्फ मैं हूं। तो फिर
पुलिस एनकाउंटर लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम होगा। पोस्टिंग तो मिली नहीं और एनकाउंटर की बात कर रहा है। अगर मुझे पोस्टिंग मिल गई होती तो तुम इस वक्त अपने घर के अंदर नहीं होते, मेरे पुलिस स्टेशन के लॉकअप के अंदर होते। मेरे खिलाफ जाएगा तो कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाए। मैं पुलिस ऑफिसर तेरे खिलाफ जाने के लिए नहीं बन रहा हूँ, खात्मा करने के लिए बन रहा हूँ, समझ गया? ए, सुन गुरु। सिर्फ तेरे बारे में जानने के लिए आया था। क्रिमिनल एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट तेरे पास है, ये मैं समझ गया। आप तक जो तेरे सामने था वो सिर्फ गुरु ही था, लेकिन अब जो तेरे सामने खड़ा होगा वो परम गुरु होगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। बच के रहना। क्या हुआ पापा? दीदी क्या हुआ? अंकल कुछ तो बताइए, ये मोहल्ले के लोग एक साथ क्यों जमा है, बोलिए ना। ए तू बता हुआ क्या है, फिर से कुछ मसला हुआ क्या? तो बोलना यार, बोलो विद्या। उस गुंडे ने फिर से परेशान किया तुम्हें? नहीं। अरे बोलो ना, डर के मारे कुछ भी नहीं बोलोगी क्या? कुछ तो बोलो। गुरु, हर परिवार वाला अपने बच्चे को या तो डॉक्टर या वकील बनाने के सपने देखता है, पर हम गली वालों ने चाहा कि तुम एक बड़े पुलिस ऑफिसर बनो, लेकिन उस गुंडे को मारने की वजह से डिपार्टमेंट ने तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर कर चार्ज लगाकर तुझे ऑफिसर बनने से नकार दिया, तुझे रिजेक्ट किया। परम गुरु की बात कर रहे हैं, बड़े भाई से पंगा लेने के बाद बड़े बड़े लोग कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं। वो बस आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुआ था, रिजेक्ट कर दिया ना, अब असिस्टेंट कमिश्नर तो क्या, कांस्टेबल बनने के लायक भी नहीं रहा। ओके फोन रखता हूँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सर आपके लिए वकील का नोटिस आया। मेरे को नोटिस आया है? कौन है जिसकी मुझे नोटिस भेजने की जरूरत हुई? परम गुरु। क्या परम गुरु? जी हाँ सर, आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया उसकी वजह जानने के लिए उसने नोटिस भेजा है। मुझे नोटिस भेजा है ना, अब मैं उससे अदालत में मुलाकात करूंगा। डैम इट, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मिस्टर गुरु, आपने किस बुनियाद पर डीजीपी को नोटिस भेजा? मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूं, इस बात का फैसला किस बिना पर किया उन्होंने, इसकी वजह जानने के लिए आया हूं। अपना पक्ष रखने के लिए आपका कोई वकील है? नहीं जज साहब, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। यू कैन प्रोसीड। इस केस के सिलसिले में मैं इंस्पेक्टर वीरप्पन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। शुक्रिया जज साहब। नमस्ते सर। मैंने कत्ल करने की कोशिश की ये बताकर मुझ पर मामला दर्ज हुआ है, तो बताइए किसका कत्ल करने की कोशिश की है मैंने? रामा स्वामी का। यह उनका पूरा नाम है? नहीं, उनका पूरा नाम मारधाड़ रामा स्वामी है। मारधाड़, ये उनका सरनेम है? नहीं, वो लकब है। अच्छा, ये लकब उन्हें कहां से मिला? लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। अच्छा, ये बताओ उसका धंधा क्या है? वो बेल पर छूटा है एक मुजरिम है। ओहो, वो कैदी बनने का धंधा है या वो धंधा करने से कैदी बने? ये बताओ ये बेल पर छूटने का क्या मतलब होता है? बताइए ना सर। वो बेल का मतलब है कि अदालत में केस चल रहा है, जब तक केस खत्म नहीं हो जाता पुलिस की निगरानी में रहेगा वो। अच्छा, अदालत में उनके खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं? वो मामले आराम से याद कीजिए।
बताइए ना मिस्टर वीरप्पन। 15 मर्डर, 115 चोरी, 215 बलात्कार और अरे बाप रे, घरवाली की लिस्ट की तरह लिस्ट लंबी होती जा रही है। इतनी महान हस्ती का कत्ल करने की कोशिश की है मैंने, यही मामला दर्ज किया है ना तुमने मुझ पे। नकली गवाह भी तो होंगे। देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जब आप उनका कत्ल करने वाले थे, वहाँ मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से यह सब देखा, और आपको रोकने की कोशिश में जो 3 लोग वहाँ पर जख्मी हुए थे, उन 3 लोगों की शिकायत पर ही मैंने यहाँ पर मामला दर्ज किया। उन 3ों के नाम क्या है? नरेश नारियल वाला, टीपू टॉप वाला, बबलू पाल वाला। हर नाम के साथ कारोबार का नाम जुड़ा है, लगता है निहायत ही शरीफ लोग हैं ये। आप जा सकते हैं। जज साहब, मैं उन 3ों से एक एक करके सवाल पूछना चाहता हूँ। एक एक करके? जी ठीक है, आज तो सस्पेंड हो जाऊंगा। आप दोनों बाहर जाइए और आप कटघरे में चलिए, चलिए जाइए जाइए। अरे बाप रे, इतना बड़ा जख्म कैसे आ गया आपको? कहीं से गिर गए थे क्या? पहले तुमने तो जख्म दिया, अब खुद ही पूछो कि जख्म कैसे आया। अच्छा, मैंने आपको क्यों मारा था? जब आप रामास्वामी को मार रहे थे तब मैं बीच में आ गया, तभी तुमने मुझे मारा था। अच्छा ठीक है, जब मैं रामास्वामी को मार रहा था तब वो क्या कर रहे थे? बोलिए ना, क्या कर रहे थे वो? आपको पता ही नहीं वो क्या कर रहा था? मतलब मैंने उसे मारा ही नहीं और ना ही आपने देखा है, मतलब आपने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दी। नहीं, रामास्वामी को तुमने ही मारा, मैंने खुद देखा। तो बताइए ना वो क्या कर रहे थे? वो पेपर पढ़ रहे थे। कहाँ? उनके घर के बाहर। उस वक्त आप 3ों वहाँ क्या कर रहे थे? राइट साइड में बल्लू खड़े थे और लेफ्ट साइड में टीपू खड़े थे, और मैं बैठकर भाई के पैर दबा रहा था। पेपर पढ़ते वक्त उन्होंने ऐसा क्या किया कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की? भाई ने तो कुछ भी नहीं किया था। भाई कुछ भी करने से पहले वक्त जरूर देखते हैं। दस्तखत करने के लिए भी पुलिस स्टेशन जाना था तो वक्त क्या हुआ ये पूछा था। वक्त क्या पूछता है बे, तेरा तो खराब ही चल रहा है, बोलकर भाई की छाती पर धनाधन धनाधन लात मारने लग गया तू। मतलब जब मैंने रामास्वामी को लात मारी उस वक्त वो दाहिनी ओर बैठा हुआ था, है ना? हाँ। और बाएं तरफ पल्ली मनी था। हाँ। और उस वक्त आप भाई के पैर दबा रहे थे। हाँ। रामास्वामी जब पेपर पढ़ रहे थे तब मैंने उन्हें मारा। हाँ। ठीक है, जा सकते हैं आप। जरा सुनिए। हाँ? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ क्या? अभी तो पूछताछ शुरू हुई है। हाँ? वहां खड़े हो जाइए। मैंने रामास्वामी को मारा है, ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है तुमने? हाँ, करवाई है। तुमने मुझे मारते हुए देखा था? देखा था, इसीलिए तो शिकायत की। बिना देखे कोई शिकायत करता है क्या? जब मैंने रामास्वामी को मारा तुम बता सकते हो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? बोलो बोलो। वो पूजा कर रहे थे। कहाँ पर? अपने घर में, और कहाँ करेंगे? वो बल्लू फूल चढ़ा रहा था और मैं आरती उतार रहा था और नरेश घंटी बजा रहा था। ये बताओ, रामास्वामी तो पूजा कर रहे थे ना, तो मैंने उन्हें क्यों मारा? उन्होंने क्या किया, वो तो बस ऊपर वाले से कुछ मांग रहे थे। तो आपने कहा ऊपर वाले से क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें देता हूँ ना, और आपने धुलाई शुरू कर दी, और धुलाई इस प्रकार की कि आप तो बीच में रुके ही नहीं, मारते ही चले गए। ये कोई बात हुई? ये गलत बात है ना, आप ही बताइए। मतलब जब मैंने रामास्वामी को मारा था तो वो पूजा कर रहे थे, है ना? और ये आरती कर रहे थे और तुम घंटी बजा रहे थे। मैं आरती कर रहा था और वो घंटी बजा रहा था। ठीक है, तुम भी इनके साथ खड़े हो जाओ। जज साहब, अब मैं तीसरे गवाह से बात करना चाहूंगा। यस, यू कैन प्रोसीड। देखा कैसे संभाला, उसने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन मैं तो टीपू टॉप हूँ। देखा कैसे टॉप से फायरिंग किया मैंने, मानते हो कि नहीं? चल दफा हो जा, भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आते हैं।
देखा कैसे हैंडल किया? एक नंबर का बेवकूफ है तू। मैंने क्या किया? गड़बड़ कर दी तूने, फंसा दिया सबको। मैंने कुछ नहीं किया, तूने ही गड़बड़ की थी। हाँ, बल्लू बाल वाला। मैंने रामास्वामी की जान लेनी चाहिए थी, ऐसी शिकायत आप तीनों ने दर्ज कराई है ना? हाँ कराई है। जब मैंने रामास्वामी को मारा तो बताओ वो क्या कर रहे थे? मार गया। बोलिए बोलिए। मैंने रामास्वामी को क्यों मारा ये सारा सच तुम्हारे साथियों ने बता दिया है। तुम भी बता दो वरना अच्छे से फंसोगे। मैं गद्दारो, अपने भाई को ही फंसा रहे हो? क्यों किया ऐसा? हम लोगों के लिए भाई ने क्या कुछ नहीं किया? जब तुम लोग जेल जाते थे भाई पुलिस वाले को पेटी भर भर के पैसा खिलाते थे और उनके खिलाफ गवाही नहीं दी। एक नंबर के एहसान फरामोश हो तुम में और शिकायत करने वाले लड़के में क्या फर्क है? अच्छा ये बताओ जिसने शिकायत की थी वो लड़की कौन है? ओए पागल समझा क्या? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं। मेरे भाई की शिकायत करने पर गुस्से में भाई ने जब उसके बाल पकड़े तब तूने उनको पीटा था और जब मैं बीच में आया तब तूने मेरी भी धुलाई की और ऐसी धुलाई की कि मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई। मतलब तुम्हारे भाई ने उस लड़की को पकड़ा था तो मैंने उसे मारा और नहीं तो क्या? अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस पॉइंट को नोट कीजिए जज साहब। अब मुझे जिसने रिजेक्ट किया उस डीजीपी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। बुला सकते हैं। एक कंडीशन बेल पर छूटे हुए गुंडे के मरने पर और उसकी दी हुई लोगों की झूठी गवाही पर छोटी मोटी लड़ाई को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दिया इस इंस्पेक्टर ने और उस एफआईआर के आधार पर आपने मुझे पुलिस की नौकरी से रिजेक्ट करने का एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। क्या गलती थी मेरी? मैं पूछता हूं क्या गलती थी मेरी? एक मासूम लड़की को सरेआम बीच सड़क पर मारने वाले को रोकना क्या कानून की नजर में जुर्म है? आम जनता की हिफाजत करना ही पुलिस का फर्ज होता है। पोस्टिंग मिलने के पहले मैंने वही किया, क्या यह जुर्म होता है? बिना जांच किए फैसला करने वाले को सही फैसला करने का एक और मौका दिया, जरा बताइए डीजीपी साहब क्या यह जुर्म होता है? ये क्या जुर्म लगा रखा है तुमने? बेल पर छूटने वाले गुंडों से भी बढ़कर भयंकर गुंडे जैसा बर्ताव किया तुमने। एक भयंकर गुंडे और तुम में आखिर फर्क क्या है? एक बात ध्यान में रख, पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ कायदे और कानून होते हैं। चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार हो, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, उसे अरेस्ट करने के लिए किसी को भी अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। कोई उसे मार नहीं सकता। और एक बात, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लोग चाहे कितना भी भड़के क्यों ना हो, सीनियर ऑफिसर इजाजत नहीं देता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं, समझे? मतलब अपनी आंखों के सामने ना इंसाफी हो उसे देखकर अपना मुंह बंद करके खामोश रहना होगा, उसे रोकना नहीं है। रोक नहीं सकते मैन, रोक नहीं सकते, यही रूल्स हैं। जब तुम पोस्टिंग के पहले इतने वायलेंट हो, अगर तुम पुलिस ऑफिसर बन जाते हो तो ऐसा मामला कैसे संभालोगे? तुम पुलिस की नौकरी के लायक नहीं हो तो पूरी जिंदगी तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते और यही मेरा फैसला है। Ha ha ha.
इन लोगों ने मुझे क्यों मारा? बताओ डीजीपी, आपने चार्ज कहा ना? क्या ये अरेस्ट वारंट लेकर आए थे? जिन्होंने कानून को तोड़ा है, अब बताइए क्या उन्हें आप डिसमिस करवाएंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग आपकी निहायत कीमती जान बचाने आए थे। जरा मुझे बताइए ना, मजबूर की मदद करने से बड़ा कानून है क्या? सच्ची हमदर्दी से रूल्स बड़े होते हैं। चिल्ला चिल्ला कर अपनी इज्जत बचाने की आवाज लगाने वाली उस लड़की से बड़ी कानून की इज्जत होती है? आपको शर्मिंदा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था सर, बस अपनी बात को अदालत के सामने रखने का एक यही तरीका था मेरे पास। बस इसलिए मैंने आपको मारने का नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए सर। जज साहब, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं, ये सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर ये पैसों की बात होती तो मैं कोई बड़ी कंपनी में नौकरी देकर आराम से लग जाता और लाखों रुपए कमाता। जज साहब, जो कॉलेज कैंपस में ही मुझे लग गई थी जज साहब, लेकिन मैंने वो नौकरी नहीं की। क्यों? क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है जज साहब, मेरी जिंदगी देखकर निभाने वाला फर्ज समझता हूं मैं। ना इंसाफी करने वालों से मजबूर लोगों को बचाने की जो खुशी होती है, ईमानदार लोगों को हिम्मत देकर सुकून पहुंचाने वाली दिल की तसल्ली, देश के दुश्मन से लड़ने वाले फौजी की तरह अपने देश के जो गद्दार हैं उनसे लोगों को बचाने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, और ये मैं अपना फर्ज समझता हूं। बचपन में हम सबकी हिफाजत हमारी माँ करती है, थोड़े बड़े होने के बाद हमारे पिताजी हमारा ख्याल रखते हैं। इस जिम्मेदारी को ब्यूटी नहीं कहा जाता, प्यार कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, क्योंकि इस जिम्मेदारी को ड्यूटी नहीं कहा जा सकता, प्यार होना चाहिए। और बस मैंने भी वही किया। जिन पुलिस वालों को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, उन्होंने मुझे सीधे रिजेक्ट किया। इसके आगे अब मैं इस केस में एक मासूम लड़की की गुंडे से हिफाजत करने के लिए मिस्टर गुरु ने रामा स्वामी जैसे गुंडे को मारा, ये बात साबित होती है। इसीलिए यह अदालत आदेश देती है कि अदालत के बर्खास्त होने से पहले मिस्टर गुरु को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट इस पर अमल करे। इसके अलावा कंडीशनल बेल पर रिहा किए गए मुजरिम रामा स्वामी और उसके साथियों की बेल रद्द करके उन्हें फौरन जेल भेजने का आदेश देती है अदालत मुलतवी की। क्या परम गुरु पुलिस ऑफिसर बन गया? नहीं, क्या कह रहा था मैं? सिंगल हूँ, इसके साथ मिंगल हो जाएगा ये जी। नहीं भैया। अरे पीना। नहीं नहीं भैया, क्या बोलती है? सैया 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 बोल। मुझे छोड़ दो भैया, मैं गरीब रहती हूं। क्या बोली? गरीब है तो अमीर कर देंगे। बोल कितना पैसा चाहिए, बोल बिंदास बोल। मेरे साहब का बेटा है, बहुत रईस है, जो चाहिए बिंदास मांग ले, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। बोल ना जाने मन कितना चाहिए। चला जा पीछे, आ जा। ये ले, बिना पिए ही नशा हो गया इसे। ए, लगता है उसको चोट लग गई, खून बह रहा है। अबे छोड़, कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। चल चल। हमें न्याय दीजिए साहब, ये अत्याचार है, ये अत्याचार है साहब। साहब देखिए साहब, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या बात है माँ जी? साहब, हमारे
बस्ती की 10-15 लड़कियाँ बीच के पास एक होटल में काम करती हैं साहब। मंत्री के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारी बेटियों का बलात्कार करने की कोशिश की। उसे चोट आ गई है, अस्पताल में है, जिंदगी और मौत का सामना कर रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका बचना मुश्किल है। ये सब सुनकर बस्ती वाले बहुत गुस्सा हो गए हैं, लेकिन हम गरीब हैं, क्या कर सकते हैं। आप ही इंसाफ कीजिए साहब, आप ही इंसाफ कीजिए। मेरा आप सबसे वादा है, मैं उसके खिलाफ जरूर एक्शन लूंगा। मंत्री के बेटे को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, ये मैं कसम खाता हूँ। आप लोग जा सकते हैं। कि एक लड़की यहाँ काम करने आती थी, उसके साथ उसने बदतमीजी की, उसी के बारे में साहब पूछताछ करने आए हैं। बोल कहाँ है वो? अरे हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, इसमें वो फिसल कर गिर गई, इसमें हमारी क्या गलती है भाई? कुछ भी। ए इंस्पेक्टर, अब इस उम्र में अय्याशी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हें पता भी है कि वो लड़का कौन है? मंत्री साहब का बेटा है। अगर उन्हें खबर लगी कि तुम गिरफ्तार करने आए हो तो तुम तीनों की वर्दी उतर गई समझो। नौकरी बचाना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो निकलो। जाओ। मुझे तो लगा था कि इसने लड़की को सीरियसली छेड़ा होगा। लेकिन ये सब तो मस्ती में हुआ था। कैसी लगी मस्ती? पापा, वो एसीपी मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर आ रहा है। अरे आने दे, हम घबराते थोड़े ही हैं। देख कैसे हाथ पैर जोड़ेगा मेरे सामने। अच्छा तो ये है एसीपी, क्या हुआ? हमारे घर में पुलिस हमारी हिफाजत के लिए आती है। 30 सालों से मंत्री हूँ मैं, तू पहला पुलिस वाला है जो अरेस्ट वारंट के साथ आया है। मतलब इन 30 सालों में पहली बार किसी जाबाज पुलिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात हो रही है? अबे सरकार किसी की भी हो, हुकूमत मेरी ही चलती है। हुकूमत किसकी भी चले, डंडा मेरा ही चलेगा। अच्छे, राशन कार्ड में पीछे का कॉलम देखा है क्या? उसमें मेरी इजाजत से ही नाम चढ़ते उतरते हैं। मंत्री जी, सर्टिफिकेट के जाति के कॉलम में देखा है आपने? वहां मैंने पुलिस ऑफिसर लिखवाया है। 5 लाख वोट मेरी जेब में है तो मुझसे दुश्मनी कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत मेरे बेटे को जेल में डालेगा? मंत्री जी तो ज्योतिषी हैं, आपके दिल का हाल बयां कर दिया। जनता को समझना ही तो इनका पेशा है, इसीलिए तो हुकूमत कर रहे हैं, है ना मंत्री? अच्छा बेटा, फिरकी ले रहा है। आओ डीसीपी। गुड मॉर्निंग सर। बोलती क्यों बंद हो गई? जो बोल बचन कर रहा था करना। Hey, ये बड़े लोगों का मामला है, बिना कुछ सोचे समझे अगर इनके बीच में पड़ोगे तो हम पर मुसीबत आ जाएगी, समझे? वकील साहब जो बोल रहे हैं वही करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में धुलाई करने की जरूरत नहीं है। आजकल पुलिस वाले अपने आप को जज समझने लगे हैं क्या? फैसला करना हम वकीलों का काम है, सीधा लड़के को अदालत में हाजिर करो, समझे? मर्डर केस, ड्रग्स केस, ये सब हैंडल करता हूँ मैं, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं। अदालत में जाने से पहले इस केस का नतीजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना? अब मेरे सुपीरियर ऑफिसर मना कर रहे हैं, वकील केस खारिज करवा रहे हैं, और ये मंत्री साहब अपने जेब में 5 लाख वोटों को लेकर ऐसे ही घूमते हैं, तो मैं इनके बेटे को हाथ लगा सकता हूँ क्या? मैं क्या पागल हो गया हूँ? मैं कुछ भी नहीं करूंगा सर। That's good. मंत्री जी देखिए, ये मेरा पहला केस है, वारंट भी साथ में लाया हूँ, खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना। मैं आपको एक वादा करता हूँ, इसे सीधे कोर्ट में ले जाकर पेश कर देते हैं ना। नहीं पापा। घबराता क्यों रे? अरे घबराओ मत बेटा, अगर चाहो तो अपने पापा को साथ में ले लो, सर को ले लेना, वकील को ले लेना, सबको साथ में ले चलना। सर मेरा यकीन कीजिए, आपसे वादा है मैं आपके बेटे को टच भी नहीं करूंगा। हाँ, अब आई ना कल ठिकाने पे। अरे विनायक, देखा ना तूने, हैं? तुझे गिरफ्तार करने आया था, खुद ही गिरफ्तार हो गया। चल अब घबरा मत, आजा।
ये पुलिस, ये अदालत, ये जेल, ये सब हमारे जैसे नेताओं के लिए ही तो बनी है सर। ये गाड़ी धीमी क्यों कर दी तूने? अरे रोड पर मरे हुए को कफन डाला होगा। अरे ये तो इस शहर की रोज की बात है। पता नहीं हमें किस बस्ती में लेके जाने की साजिश कर रहा है साहब। तू भी घबरा रहा है, डीसीपी वकील है ना अपने साथ। साहब आपके बेटे ने इसी बस्ती के लड़की का बलात्कार किया था और वो अस्पताल में है साहब। साहब अब हम नहीं बचेंगे साहब। ए रामा 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 रे ए रामा 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 ओए, हाँ सर, जरा यहाँ आना तो। मैं आऊँ सर। हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। मैं क्यों आऊँ सर? अरे बोल रहा हूँ ना। अरे 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 सर। ए, कल पुलिस स्टेशन के सामने क्या धांधली कर रहा था? कुछ धांधली नहीं की साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे छोड़ दो मुझे साहब। बस्ती की लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो कोई खाकी वर्दी वाला नहीं बचेगा, ऐसा बोला था ना? नहीं सर, मैंने कुछ। तो फिर क्या बोला था तूने? मैंने कुछ नहीं बोला था। क्यों ना? हमारी वर्दी उतरवाएगा क्या तू? अरे सर मैं ऐसा क्यों कहूँगा सर, मैं खुद लूंगी बनिया। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? अरे साहब वो खुद के पैर पर नहीं, हमारे गले पर कुल्हाड़ी चलाने वाला है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। डीसीपी हमारे साथ है, वकील हमारे साथ है, कोई क्या कर लेगा? सर ये मारपीट का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट डीसीपी साहब का ही निपट लेंगे। अरे ये हमें क्या संभालेंगे, उससे पहले ही वो हमें सुला देगा। चुप कर बेवकूफ, खुद भी डर रहा है और सबको डरा रहा है। सर घबराइए मत, मैं जाकर देखता हूँ बेटा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। साहब वकील साहब भी जा रहे हैं, उन्हें रोकिए ना। अरे वकील तू कहाँ जा रहा है? मंत्री जी बस आप अपने बेटे को सही सलामत अदालत में हाजिर कीजिए, मैं जज साहब को सेट करता हूँ, ठीक है? अरे वकील साहब मेरी वसीयत। क्या कह रहा था तू? हाँ मंत्री का बेटा है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों बे, मीडिया बुलाएगा, अखबार में छपवाएगा। सर ये कह रहा है कि हमारे ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं बोला सर। सर के सामने झूठ बोल रहा है? उसके मुँह से निकल गया होगा, छोड़ देना उसे। बोला था कि नहीं तूने? अरे गुरु जब वो बोल रहा है कि नहीं बोला उसने तो छोड़ दो ना उसको, चलो हम लोग चलते हैं। ऐसे कैसे मना कर दूं सर? तू कह रहा था ना कि हम मंत्री के बेटे को कुछ नहीं कर सकते। बताता हूँ तुझे, ये देख है ना मंत्री का बेटा। हाँ सर मेरी बहन को पूरी तरह से मारने वाला यही है सर। धन्यवाद सर। सुनो रे सब लोग, मैंने कर दिया। आ जाओ पापा, मुझे बता लीजिए ये लोग मुझे चांद से मार डालेंगे। अरे क्या हो रहा है ये? देखो सब लोग शांत हो जाओ, मैं एक ही बार वार्निंग दे रहा हूँ। कोई भी इसे नीचे गिरा कर लात घूसे नहीं मारेगा। जो कोई लात मारेगा उसे जेल में। रुक जाओ। अरे सुला के मारेंगे तो सो जाएगा, सुलाना नहीं रुलाना है इसे। मेरी बहन से बदतमीजी करता है, आज इसको भी मजा चखा दो। कभी नहीं, आज तेरी लाश जाएगी यहाँ से। मारो। अरे छोड़ो मेरे बेटे को। आप जाएंगे तुम उसे छोड़कर आपको मारने लग जाएंगे। अरे साहब मत जाइए, जिंदा नहीं बचेंगे आप साहब। अरे मत, हमारे बच्चियों को छेड़ेगा, सारे गांव वाले मिलकर आज तुझे चीर देंगे। आइंदा से हमारी बेटियों पर नजर उठा के देखने की कोशिश करेंगे। कोई भी जोश में आकर लड़के के हाथ पैर बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। हम मार रुको, अभी इसे थोड़ा आराम करने दो, बहुत मार खा लिया इसने, अभी इसे यही छोड़ देते हैं, खाना खाकर फिर मारेंगे इसे। चलो चलो चलो, छोड़ेंगे यहीं पे मिलना। हाय हाय मेरी बेटी। है इंस्पेक्टर, अदालत में ले जाने के बजाय तो बस्ती में क्यों दिखा रहे हैं? मंत्री जी मैं अपनी जबान का बहुत ही पक्का हूँ, मैंने आपके बेटे को छुआ क्या? डीसीपी साहब आप बताइए। सर मैंने इसे हाथ लगाया क्या? बताइए आप। और वो काला कोट कहाँ पर है? पहले ही भाग गया। मैं अभी भी कहता हूँ सर, मैंने आपके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ लगा या ना लगा क्या फर्क पड़ता है, लोगों ने तो उसकी कुटाई कर ही दी ना। सर इसे अदालत में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हॉस्पिटल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करवा देते हैं। तुम ही बता दो ना इसे। ऐसा क्या, थैंक यू पोस्टमार्टम। अरे बेटा तुम क्या कहते हो? उठ जा बेटा उठ जा। कितनी धुलाई हो गई तेरी, अपनी जेब में 5 लाख वोट लेकर चलता हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा बेटा। आप कौन है?
हे भगवान। उसे ले जाकर अगर मैं लॉकअप में डालता तो या तो वो एक दिन में या फिर दो दिन में छूट कर सीधे बाहर आ जाता। इसलिए बस्ती वालों के हवाले कर दिया, उनको भी मारने का सुकून मिल गया और मैंने अपना वादा पूरा किया। आज के बाद वो लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। आई लव यू दिव्या। आप लोग बैठ जाइए। सर ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं। अबे बेवकूफ, 50-60 करोड़ खर्च करके कॉलेज खड़ा किया है, बच्चों के एडमिशन भी हो चुके हैं, अब बीच में आकर 10,000 नुक्स निकालोगे तो क्या कॉलेज में ताला मार दें हम लोग? मामला अगर तुम लोगों तक ही होता तो संभाल लेता, लेकिन इसकी खबर बड़े भाई को मिल गई है और उन्होंने फोन करके मांडवाली करने को कहा है। इस पे दस्तखत करवा लो और इनको जो चाहिए देकर मामला खत्म करो। शट अप, अनपढ़ कहीं के। सरकार के इजाजत के बगैर कॉलेज चलाना जुर्म है, ऊपर से रिश्वत दे रहा है। ऐसा क्या है तुम्हारे कॉलेज में? हाँ, कॉलेज की बिल्डिंग सेफ है क्या? कंप्यूटर है क्या? लैब है क्या? या फिर पढ़ाने के लिए अच्छे प्रोफेसर है? लाखों रुपए डोनेशन लेके गरीबों को लूटते हैं। भूलिया तो देखो, ये लोग कॉलेज चलाएंगे क्या? बच्चों के भविष्य के बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा है क्या? LKG से लेकर एक बच्चा जब ABCD लिखना शुरू करता है तो तुम लोग पढ़ाई को अपना बिजनेस बना लेते हो। अगर पैसे नहीं होंगे तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? महंगे कोर्स कर रखे कि बच्चे जो पढ़ना चाहते पढ़ ही नहीं पाते। बस इसी तरह की लूट को खत्म करने के लिए हमें एक्शन लेने के लिए हमें स्पेशल ऑफिसर बनाकर भेजा गया है। बात तो सही है, तो जैसा ये कह रहे हैं कॉलेज बंद कर दो तुम। क्या बोल रहे हो? बोल दिया ना, चिल्ला क्यों रहे हो? बिल्डिंग का सारा खर्चा, स्टूडेंट को लौटाने वाली रकम और इन जैसे ऑफिसर का मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत दी थी वो, उसका इंटरेस्ट और मेरी फीस सब जोड़ा जाए तो 100 से 125 करोड़ होते हैं। वो मुझे वापस दे दो, कॉलेज बंद समझो। हमें धमकी दे रहे हो क्या? सॉरी, धमकी दी क्या मैंने? मैं धमकी नहीं देता हूँ, सीधा विकेट लेता हूँ मैं। ए, जो मरने से डरता वही डरेगा तुमसे। दिखा, जरा हमें हाथ लगा कर तो दिखा। पैसा कमाने के लिए गुंडागर्दी करने वाले तुम लोगों को अगर इतनी चर्बी है तो पैसा भरने के बाद जिनकी पढ़ाई खराब हुई है और जिन स्टूडेंटों की पढ़ाई बर्बाद हुई है, वो 10,000 स्टूडेंट अगर यहाँ आ गए तो तुम्हारा क्या हश्र होगा जानते हो? तुम्हारे ही कॉलेज में तुम्हें दफना देंगे। माइंड इट, हमें धमकी क्या देता है? हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बिना हमारी जानकारी के कॉलेज कैसे चलाते हो हम भी देखते हैं। चलिए सर। प्रणाम भाई। भाई आपने जो कहा था वो। बच्चों अब आप सब बाहर जाकर खेलो। थैंक यू। तो बता क्या बात हुई वहाँ, क्या खबर है? वो ऑफिसर ने दस्तखत तो कर दिए है ना, कोई परेशानी तो नहीं आई ना? भाई असल में वो। झिझक क्यों रहा है तू? छोटी सी गलती हो गई भाई। गलती मतलब है? हाँ साहब। भाई सोचा लास्ट ठिकाने लगाने से पहले आपको बता दूं, तीनों लास्ट गेस्ट हाउस में रखी है भाई। अबे तेरे में दिमाग है कि नहीं? वो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, अगर मेरा नाम आ गया ना तो। वो आपके खिलाफ बोल रहे थे भाई, इसलिए आप कहें तो मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। वो चाहे मुझे जितना भी मारे पीटे, आपका नाम सुबान पे नहीं लाऊंगा। आज 4 बजे बीच रोड पर शांति मोर्चा होने वाला है, उस शांति मोर्चे को दंगे में बदल दो। कम से कम 30-40 लोगों का कत्ल कर दो। उन 30-40 लाशों के साथ इन 3 लाशों को भी मिला दो। फिर कल जब यह खबर टीवी और अखबार में आएगी तो सब समझेंगे कि ये लोग भी फसाद का शिकार हुए हैं।
नमस्ते सर, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर परम गुरु से मिलना है। ए, अरे क्यों रोज रोज हैरान करने आ जाते हो, आखिर मसला क्या है वो तो बताओ। प्रभाकर माँ, ये क्या, तुझे कितनी बार मना किया है कि यहाँ मत आया कर। माँ वो तो चल चल घर चल, माँ चल, माँ सुनना, चल चुपचाप। माँ देखो वो आ गए, मुझे बस एक बार मुलाकात करनी है। माँ माँ जरूरी बात है, एक बार मुलाकात करनी है। माँ माँ बात तो समझो, माँ जरूरी बात है, समझो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये लड़का कौन है सर, कोई दिक्कत है क्या? लड़के का नाम प्रभाकर है सर, कॉलेज स्टूडेंट है, कुछ बताना चाहता है लेकिन सिर्फ आप ही को बताएगा। दो तीन दिन से चक्कर काट रहा है सर, उसकी माँ आई और उसे घसीटते हुए ले गई सर। अच्छा ये बताओ, जो मिस्टर गुरु कॉलेज में मस्ती किंग के नाम से जाना जाता था वही है क्या? हाँ वही है। हैं? कॉलेज में तो लड़कियों को देखकर घबरा जाया करता था, सच में छी बहुत डरपोक था। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, वेलकम मस्ती गुरु। अरे सर। ओके ओके, वेलकम एसीपी गुरु, आ जाओ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर बुके। तुम कभी नहीं सुधरोगे नॉटी। कैसे हैं आप? पहले मस्ती किंग अब कड़क ऑफिसर। अरे चलना, सॉरी। चलिए एसीपी साहब। प्रभाकर तुम मुझसे मुलाकात करने दो बार मेरे ऑफिस में आ चुके हो। क्यों सर, अगर मैंने पुलिस में शिकायत कर दी तो जिन गुंडों को मैंने देखा है क्या वो मुझे मार डालेंगे? ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरी माँ कह रही थी सर, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ, पिताजी बचपन में ही गुजर गए, बहुत मेहनत करके मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है सर, अब मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ, मैं अपनी माँ के लिए जिंदगी हूँ सर। सर जिस तरह मेरी माँ मेरी भलाई चाहती है बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट कमेटी के भलाई के लिए उन तीन ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की थी। कौन से तीन ऑफिसर्स? यूनिवर्सिटीज में ग्रैंड कमीशन से लेकर कॉलेजेस को अप्रूव करने वाले ऑफिसर्स। अच्छा ये बताओ, कुछ दिन पहले जो फसाद हुआ था उसमें जो मारे गए वही तीन ऑफिसर्स ना? सर वो फसाद में नहीं मारे गए थे सर, उन तीनों का कत्ल हुआ था सर। ये क्या बात कर रहे हो? सर मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ खाली वक्त में पार्ट टाइम टैक्सी चलाने का काम करता हूँ, एक दिन मेरे ही टैक्सी में मैं उन तीनों ऑफिसर्स को एक जगह लेकर गया था सर। सर मैंने अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़कर आया हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा यकीन है सर, आप जब भी कहेंगे मैं गवाही देने आ जाऊंगा। उन हैवानों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए सर। 20 साल की उम्र में ही तुम में इतनी हिम्मत आ गई है, उसे हिम्मत को अपनी ताकत बनाकर मैं IPS बना हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। प्रभाकर! जिससे भी मिलता है तो बस खून हो गया कहता रहता है, बस यही बात दोहराते रहता है। डॉक्टरों को भी इसको दिखाया है मैंने, डॉक्टर ने दवाई दी है और कहा कि कुछ दिनों में मुसीबत से बचाने के लिए अच्छे खासे बेटे को पागल बना दिया आपने। भले ही इसे पागल बना दिया लेकिन मेरी नजरों के सामने तो रहेगा। साहब इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है साहब, अगर उन्हें ये खबर हुई कि मेरे बेटे को ये सब पता है तो वो लोग इसे भी मार डालेंगे साहब। साहब जिसने 3 खून को छुपाने के लिए 30-30 लोगों का कत्ल कर दिया, वो मेरे बेटे को कैसे छोड़ेंगे साहब? साहब भले ही इसकी पढ़ाई
घर में पड़ा रहे, लेकिन साहब मेरी नजरों के सामने तो रहेगा ना मेरा बेटा। मेहरबानी करके इस मामले में मेरे बेटे को मत घसीटिए, छोड़ दीजिए। बहन जी आप तो बेमतलब का डर रही हैं। इसी डर की वजह से ही गुनेगार आजाद घूम रहा है। आपसे किए वादे को तोड़कर मुझ पर यकीन रखकर ये यहां पर आया हुआ है, तो इसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिम को पकड़ना ही नहीं होता, बल्कि गुंडों से लोगों की हिफाजत करना भी है। साहब, आपकी हिफाजत के लिए तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है आपके साथ, और मेरे बेटे के पास सिर्फ मैं ही हूँ साहब। मेहरबानी करके हमें खतरे में मत डालिए। ये क्या कह रही हैं आप? बहन जी आप पुलिस डिपार्टमेंट को गलत समझ रही हैं। आपके बेटे पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोगों की हिफाजत का इंतजाम मैं करूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। धन्यवाद बोल। ये क्या कह रहे हो तुम? मोर्चे को दंगे में बदल दिया? जी हाँ सर, पूछताछ करने गए उन तीन ऑफिसर्स की लाशों को छुपाने के लिए 30 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इसके चश्मदीद गवाह एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसी ने मुझे इस बारे में बताया। सर, इस मामले को खत्म होने तक उस लड़के की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। इतना ही नहीं सर, इस फसाद की जब तह तक हम लोग जाएंगे ना सर, तो बड़े बड़े VIP हमारे कब्जे में होंगे। प्रोसीड। थैंक यू सर। परम गुरु, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। नमस्ते DGP साहब। नमस्कार। आपके प्रमोशन पर सोचा खुद आके ही आपको मुबारक। शुक्रिया, बैठिए। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेफिक्र होकर मुझे कह देना। DGP की मदद करेंगे? लोग तो यहाँ पुलिस से मदद मांगने आते हैं, और आप DGP की मदद करने आए हैं, अच्छा है। ऑफिसर्स का जब कत्ल हुआ तब उसका भी एक गवाह है। कत्ल करना बड़ी बात नहीं है, सबूत नहीं होना चाहिए उसका। उसे ढूंढो और काट डालो। जी भाई। माँ, हमें फौरन गांव के जाना पड़ रहा है, कल मेरा इम्तिहान है। इम्तिहान नहीं दिया तो मेरे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। अरे बोर में गया तेरा इम्तिहान, अगर पेपर नहीं दिया तो मेहनत बेकार होगी, और यहाँ रुका तो जान से मार देंगे तुझे। चल अब यहाँ से। डीसीपी सर बहुत अच्छे हैं माँ, आप यकीन रखिए, उन्होंने मुझसे वादा भी किया है, देखना हो मुझ पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। सुन ले, तू यहाँ नहीं रुकेगा, चल बैग उठा और चलता बन। चल। माँ क्या कर रही हो माँ, इम्तिहान देके चलेंगे ना। कह रही हूँ ना, चल। एक बार परम गुरु सर से बात तो करने दो। कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप बैठ अंदर। मैंने उस दिन इन्हीं को कत्ल करते देखा। जा, रिक्शा में बैठ जाओ, अंदर जा, जा अंदर। सुनिए माँ जी, ये प्रभाकर कहाँ रहता है? हाँ? आपसे ही पूछ रहा हूँ। हम इस इलाके में नए आए हैं, आप वहाँ किसी और से पता पूछ लीजिए। आगे चलो। माँ जी। हाँ? आप अपना बैग छोड़ के जा रही हैं। हे, यहाँ प्रभाकर कहाँ रहता है? अरे वही तो थी प्रभाकर और उसकी माँ। हे, चलो उस औरत को पकड़ो। चल जल्दी, चल उतर। माँ, चल भाग जल्दी। चल। माँ, लगता है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। चल जल्दी, चल जल्दी, जल्दी चल, चल जल्दी।
पूरे बस स्टैंड को अच्छे से चेक करो, बचने नहीं चाहिए वो दोनों। चल जल्दी चल।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा बेटा ना समझ है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी जान गंवा दी। वो मेरा इकलौता बेटा था, दुनिया की नजर में पागल होता लेकिन मेरे सामने तो होता, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और अब देखो क्या हुआ, उसने जान से मार कर तालाब में फेंक दिया। अब चुप क्यों है? अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना? कितना समझाया था कि इन सब में मत पड़ना, हम शहर छोड़कर चले जाते हैं। परम गुरु साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उन पर भरोसा रखिए, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा कह रहा था वो। वादा करके भी तुम उसकी हिफाजत उनसे नहीं कर पाए, क्या मिला? आखिर क्या मिला तुम्हें? गरीब है, मरता है तो मरने दो, ऐसा ही सोचा होगा ना? या फिर मैं अकेली हूँ कुछ नहीं कर सकती, ऐसा सोचा होगा ना? मेरे बेटे को एक भी खरोच आई तो पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, कहा था ना? देखो इसका क्या अश्र किया है उन्होंने, एक मासूम बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाई, ऐसी पुलिस किस काम की? बोलो किस काम की? उतार कर फेंक दो अपनी वर्दी। लॉकअप से इन तीनों गुंडों को मेरे पास लेकर आओ जल्दी। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। शिवा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी लेकर आओ जल्दी। उसे पकड़ेंगे। हाँ मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सर देखो सर की जान को खतरा है, इसीलिए ये हमसे मदद मांगने आए हैं। तो एसीपी गुरु, दरअसल मैं चाहता हूँ कि इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम ले लो, ये बेफिक्र हो जाएंगे। आई एम सॉरी सर, मैं प्रभाकर मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ, उसमें एक सबूत मेरे हाथ लगा है, उस केस को मैं छोड़कर किसी और केस पर कैसे काम कर सकता हूँ? मिस्टर गुरु, ये होम मिनिस्टर का पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है और मेरा ये ऑर्डर है कि ये जिम्मेदारी तुम निभाओगे। एसीपी साहब किसी और केस पर काम कर रहे हैं और आप उसे छोड़कर मेरी हिफाजत करने के लिए बोल रहे हैं, आपका एहसान रहेगा डीजीपी साहब। आजा। हाँ भाई। घबरा क्यों रहा है? बिंदास आजा। क्या बे शिवा, इस गुरु को देखकर घबरा गया? अब ये तुझे पकड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, इसकी ड्यूटी बदलवा दी मैंने। अब ये मेरी हिफाजत करने वाला बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी, अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजा आजा। सुन ले गुरु, अब समझ आया तुझे मैंने अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया? आई ना अकल ठिकाने, ये शिवा मेरा बच्चा है, इसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है, अगर इसे खरोंच भी आई तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ, इसलिए इसका पीछा करना छोड़ दे। अगर नहीं माना तो सुन ले, फिलहाल एक हफ्ते के लिए प्रोटेक्शन मांगा है, वो एक महीने का भी हो सकता है और एक साल का भी, और तो और जब तक रिटायर नहीं हो जाते तो पुलिस की वर्दी में रहोगे लेकिन करोगे वॉचमैन का काम। और तू कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे कुछ हुआ तो सरकार को जवाब देना होगा, इसलिए दिल के बदले दिमाग से फैसला करना। हे शिवा, चल एक जाम हो जाए। देखा भाई, आपसे लड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, एक ना एक दिन उसे आपके पैरों में आना ही पड़ता है। चीयर्स भाई। वेलकम गुरु, पैर पकड़ने आए हो क्या? मैंने हजारों को देखा है, भाई के ताकत के आगे अच्छे से अच्छे झुक जाते हैं,
तू भी जा झुक जा, जाना जो। देख गुरु, हाथ मिलाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दोस्त नहीं होगा, और हाथ उठाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। मैंने काफी सोचा सर कि यह शिवा आपकी जान है, ऐसे कुछ हुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसे मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? अब आपसे हाथ मिला ही लेना चाहिए, यही मेरा फैसला है। हे शिवा, घबरा रहा था ना? ये मुझसे उलझ रहा था, गुलाम बना के रख दिया इसे मैंने, आखिर इसे झुकना ही पड़ा ना। बोल गुरु, क्या चाहिए? बोल बोल, मांग। और क्या चाहिए होगा मुझे, मुझे तो बस इसकी जान चाहिए। ये क्या किया तूने? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। कुछ भी हो जाए, सरकार को जवाब तो देना ही होगा ना। मैं जरूर दूंगा कि यह गुंडा तुझे मारने आया था, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैंने इसे मारा। क्यों, झटका लग गया क्या? इसी वक्त तुझे मारकर एक और लाइन जोड़नी पड़ेगी मुझे कि इसने तुझे मारा और तेरे बचाव में मैंने इसे मारा, लेकिन मेरे प्रोटेक्शन में अगर तू मारा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, समझा? और हाँ, वो क्या बोला था तूने? हाँ, जिंदगी भर मुझे वॉचमैन बनाकर रखेगा, बना ले, मैं तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? उन तीनों ऑफिसर्स के खून का जिम्मेदार जयप्रकाश है? जी हाँ सर, अब हमें फौरन एक्शन लेना होगा। देखो गुरु, जयप्रकाश वीआईपी आदमी है, जयप्रकाश पर एक्शन लेंगे तो अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। पर हाँ, तुम कहते हो तो हम उसे अरेस्ट करके कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन उसे गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास सबूत कहाँ है? इसीलिए मैं इंक्वायरी कमीशन की मांग कर रहा हूँ सर, वो पूछताछ करेंगे तो हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। इंक्वायरी कमीशन बिठाने का पुलिस के पास अधिकार नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? जानता हूँ सर, इसलिए जिसके पास ये हक है उन्हें अपने साथ लाया हूँ। कौन है ये लोग? जिन ऑफिसर्स का कत्ल हुआ है उनका परिवार, अगर ये अर्जी दे दे तो इंक्वायरी कमीशन इनकार नहीं करेगी सर। सर, हमें तो लगा कि हमारे पति फसाद का शिकार हुए हैं, लेकिन उनका तो कत्ल हुआ है। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें इंसाफ चाहिए सर, चाहे कुछ भी हो जाए, उन गुनहगारों को पकड़कर आपको ही सजा देनी होगी सर। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को न्याय मिलेगा और गुनहगार को सजा मिलेगी। 30 लोगों की हत्या और उस वारदात की इंक्वायरी के लिए सरकार की तरफ से रिटायर जज मिस्टर वीरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया जाता है। ऑनरेबल जस्टिस प्लीज। मैं जरूर रिटायर हो गया हूँ, लेकिन कानून कभी रिटायर नहीं होता, इसीलिए इस जिम्मेदारी को उठाने में मैं बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ। सर, प्रकाश जैसे गुनहगार जब तक इस देश में आजादी से घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था और पुलिस पर ही नहीं इस पूरे समाज पर दाग लगा हुआ है। उनके खिलाफ जो भी सबूत और गवाह हैं वो कमीशन के हवाले कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको उनकी सजा मिले। जी हाँ सर। वीरप्पन। अच्छा, मैंने सवाल पूछना शुरू ही नहीं किया और तेरा सर झुक गया, कोई गलत काम किया है क्या? नहीं सर। 4 महीने पहले उस शांति मोर्चे में सिक्योरिटी तुम्हारे ही जिम्मे थी ना? हाँ सर। मोर्चा में फसाद कैसे शुरू हो गया? मुझे नहीं पता सर। तुझे पता है? हकीकत में नहीं पता सर, उसकी रिपोर्ट मैंने हाई कमीशन को दे दी थी सर। मुझे असली रिपोर्ट चाहिए सर। वही असली रिपोर्ट थी सर। सर, असली रिपोर्ट जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आ।
फसाद हुए काफी वक्त हो चुका है। जो लोग मारे गए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही सरकार को दे दी गई है। अब आपको डिटेल्स कहां से मिलेगी सर? 27 लोगों की रिपोर्ट एकदम सही है, लेकिन क्या उन गवर्नमेंट ऑफिसर की रिपोर्ट सही है डॉक्टर? फसाद में कुछ घंटे पहले वो मर चुके थे, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट को पूरा पूरा शक है। सर आप भूल रहे हैं, मैं भी एक सरकारी ऑफिसर हूँ, मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। आपके तेवर देखकर लग रहा है कि वो रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर, ऐसी रिपोर्ट आपने किसी के दबाव में आकर बनाई है क्या? जी नहीं, दबाव तो आप मुझ पर बना रहे हैं, मेरी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मैंने सरकार को एक लेटर भेजा है कि मुझे कमीशन पद से हटा देंगे। सर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम जा सकते हो। ऐसी धमकियों से अगर आप जैसे लोग डर गए तो लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर ये इंक्वायरी नहीं हुई ना सर, तो एक शख्स ने हमारी बुनियाद हिला दी ऐसा इल्जाम लगेगा हम पे। नहीं सर प्लीज, आप पीछे मत हटिए। परम गुरु, बहुत मुश्किल से उस हैवान से अपने बच्चों को बचाकर यहाँ तक लाई हूँ, इनका मन बदलने की अब कोशिश मत करना। मेरी बात सुनिए, आपके पति ही सिर्फ एक ऐसे शख्स हैं जो उस जयप्रकाश को उसके किए की पूरी सजा दिला सकते हैं। उससे पहले ये तो सुनो कि उसने मेरे परिवार को कहाँ और किस हालत में रखा था। 13वीं मंजिल, तू मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाएगा हैं? तो ये सुनकर मेरा परिवार तो कांप रहा है, हैं? तो अब तेरे परिवार को भी कांपना तो चाहिए ना। सुन, तुझे लग रहा है कि मैं एक मामूली शख्स हूँ, तुझे मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा मैं। लेकिन उसके लिए इसे 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 या इसे इसे उसे उसे इनमें से किसी एक बच्चे को यहाँ से नीचे कूदना होगा। चलो चलो जल्दी कूदो। अरे घबराओ मत, मेरे आदमी काम आएंगे। हाँ, ये तुम्हारी मदद करेंगे, एक एक करके नीचे फेंक देंगे, एक एक करके आराम से फेंक देंगे। देख, तुझे मुझसे तकलीफ है ना, तो मुझे जान से मार डाल, लेकिन मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दादाजी, मैं आपको कूदने नहीं दूंगा, आपके बदले मैं। कूद जा बेटा। आज के बाद ये आपके किसी भी मामले में नहीं पड़ेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा इलाका है, अगर आइंदा मेरे खिलाफ जाने की सोची भी ना, तो पूरे परिवार को एक साथ काट डालूंगा मैं। हाय। पुलिस ऑफिसर बनने की क्यों थी? बुरे लोगों से अच्छे लोगों की हिफाजत करने के लिए ना। तो जब इंक्वायरी के लिए तूने बुलाया तो वो डॉक्टर, वो पुलिस वाला और वो जज क्यों नहीं आए? उस गुंडे के खौफ की वजह से। पहले इस खौफ को खत्म करना होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। एक बड़ी क्रांति लानी होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा कुछ नहीं बोल सकते। तब तक तुम्हारे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। उस दिनों की तरह हार नहीं माननी है। जानते हो, हमारे देश का हर एक शख्स अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे ना, तो समझ लेना कि उसी दिन अपना देश आजाद होगा और इसकी शुरुआत मेरा बेटा करेगा, बेशक करेगा, और तू ही करेगा। Hey!
कुछ हुआ तो नहीं। हेलो हेलो, मेरे खिलाफ कमीशन बिठाएगा डॉक्टर, जज, पुलिस, कोई भी तेरा साथ नहीं देने वाला है। मैं जो बोलूंगा वही करेंगे, क्योंकि खौफ है, हर के दिल में मेरा खौफ है। वो खौफ तुझे भी होगा। गुरु, इस नौकरी की वजह से हमने अपने पापा को खो दिया। अब मैं तुझे नहीं खो सकती। तुझे तुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उतार दे ये वर्दी। कब तक ऐसे अकेला लड़ता रहेगा? छोड़ दे ये सब। का बदला लूंगा तो मेरे पापा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। जनता के लिए ईमानदारी से काम करेंगे तो उनकी रूह को सुकून मिल जाएगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मिस्टर परम गुरु, इंक्वायरी कमीशन बिठाने के काम पर फौरन लग जाइए। गुनाह करने वाला शख्स चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून सभी के लिए एक है, उसे सजा जरूर मिलेगी। सॉरी सर, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, आज के बाद किसी मुजरिम को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है सर। सर, मैंने ये गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, अब मैं सही रिपोर्ट इस कमीशन को देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पापा की इच्छा जरूर पूरी होगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। वो परम गुरु सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो हम सब के लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उस ईमानदार ऑफिसर का सपोर्ट ना करके उसकी जगह जयप्रकाश जैसे गुंडे से डर कर यहाँ से दुम दबाकर भाग जाऊं? आखिर में वो हमारा क्या कर लेगा? हम सबको मार डालेगा वो, और क्या कर लेगा? जरूरत पड़ी तो इस नेक काम के लिए हम शहीद हो जाएंगे। सर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम जरूर करूंगा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये सरकारी नौकर सरकार की कम और हमारी नौकरी ज्यादा करते थे, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम नेताओं को ऑफिसरों के पीछे भागना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, तशरीफ रखिए। तशरीफ तो मैं रख ही दूंगा। मेरे आदमी के वाटर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों किया? बात क्या है? बोलो,
आखिर मसला क्या है? साफ पानी सप्लाई करने के बजाय गंदा पानी सप्लाई करते हैं आपके लोग। उन गरीबों की बस्ती में इसी पानी की वजह से बीमारी फैल रही है, बस इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। सिर्फ मैं ही नहीं मंत्री जी, मेरी जगह कोई दूसरा मुलाजिम भी आएगा तो वो भी यही करेगा, और आपने कोई परेशानी खड़ी की तो मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगा। hey, 5 लाख वोट जेब में लेके घूमता हूँ मैं, मुझसे दुश्मनी करेगा तू? जी सर। फौरन एसीपी गुरु को फोन लगाओ। अभी कर देता हूँ सर। नाम को सुना हुआ सा लगता है। साहब, आपके बेटे को अदालत ले जाने के बहाने गंद भरी बस्ती में ले जाकर कुत्ते की तरह पीटा था ना, वही ऑफिसर है ये। साहब, ये धुलाई मेरे बर्दाश्त के बाहर है, चलिए फौरन चलते हैं यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं दोगे ना? देख लूंगा तुम सबको। ले जाओ इसे। थैंक यू सर। तनख्वाह इन्हें मिलती है तो क्या ये अपनी जान दे देंगे? बोलिए, अब ये किसके लिए मार खा रहे थे? हाँ, आप सभी के लिए ना सर। जाने दीजिए ना सर, छोड़िए। आप चुप रहिए सर। अगर ये गलत ऑफिसर होता ना तो इनको एक खरोच तक नहीं आई होती। जब लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो कम से कम इन्हें बचाने की कोशिश तो कीजिए। आपको धमकी किसने दी थी सर? एसीपी हराय साहब। हमें गिरफ्तार करने आ रहा है क्या? पापा, उस परम गुरु को जानते हो ना? वो बख्शता नहीं है। उसके सामने होशियारी मत दिखाना, सीधा उसके पैर में गिरकर माफी मांग लेना, शायद आपको माफ कर दे, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। छोड़िए साहब, अगर आपको शर्म आ रही है तो हुक्म कीजिए, आपके बदले मैं उसके पैर में पड़कर उसकी माफी मांग लेता हूँ। दफा हो जा, बाहर जाके चुपचाप तमाशा देख, देखते कौन किसके पैर पड़ता है। बाप रे, यमराज दरवाजा खटखटा रहा है। नमस्ते साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, चलो निकलो। आ गए गुरु, आ गए मुझे गिरफ्तार करने। बैठो 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 बैठो। उस प्रकाश का ये राइट हैंड है सर। क्या बात है, बहुत अकड़ है। देख, दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। नीचे तो देखा ही होगा ना, स्टेट के सारे प्रेस वालों को बुलाया मैंने, सब नीचे ही खड़े हैं। अब देखना, मैं अपने कपड़े खुद फाड़ूंगा और इल्जाम तुझ पे लगाऊंगा। थोड़ा सॉस भी लगा लेता हूँ, बोलूंगा तूने मुझे पीटा है, फिर देख तेरी क्या हालत होती है। जब मुझे घसीटता हुआ बाहर ले जाएगा तो लंगड़ा के चलूंगा, बोलूंगा तूने मेरा पैर तोड़ दिया। फिर कल के अखबार में यही मेन न्यूज होगी। साहब, देख लेना अपने पापा की बढ़िया एक्टिंग, अब ये ऑफिसर इनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएगा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। छोड़ साहब, नीचे देखते हैं मीडिया वाला है कि नहीं। 5 लाख वोट अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ मैं, मेरे बेटे की बस्ती में ले जाकर धुलाई की थी ना, अब देख तुझे मैं धोता हूँ। साहब, आप कह रहे कि आपने खुद ही कमीज फाड़ ली? हाँ, जो असल में मैंने फाड़ी है। आप कह रहे कि मुंह पे खून आपने लगाया, जो असल में मैंने मार कर निकाला। और क्या, आप लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, ऐसा जताएंगे कि मैंने मारा है आपको, लेकिन आप ये जितना भी नाटक कर रहे हैं ना, ओरिजिनल नहीं लगेगा सर। आपके 5 लाख वोटरों को यकीन दिलाने के लिए उसे असली बनाना पड़ेगा। क्या कर रहा है? अरे दे रहा हूँ, तू मुझे मारेगा। धीरे धीरे मारिए। हाँ, और मजा लेके बनिए। अरे गया, ये क्या कर दिया तूने? अरे बाबा बाबा, अरे रे साहब, देखा छोटे साहब, आपके पापा तो एक्टिंग में शाहरुख खान बन गए, एक्टिंग करते करते एक्टिंग तो इनके खून में ही आ गई। साहब को तो अब बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए सुपर मंत्री का। मुझे मार कर तू खुश मत हो, देख प्रेस वाले बाहर खड़े हैं। फोटो निकालने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। निकालो, अरे सुनो, अरे 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 कोई फोटो निकालो।
कुछ सही है ना? सही है। आज के अखबार में और टीवी में हमारे साहब के जलवे के बारे में खुल के दिखाना। अच्छा मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी कहाँ हैं? अरे अभी तो उन्हें गाड़ी में डालकर लेके गए। तुमने वीडियो नहीं निकाली क्या? नहीं निकाली, मतलब उसने साहब को अगवा कर लिया। चलो भागो। अरे क्या कर रहा है भाई? अरे मुझे सब पता है, ये पुलिस वाले पहले भगाते हैं, फिर जब वो भागता है तो उसे गोली मार देते हैं। माफ कर दो मुझे, तुम्हें पता है भाई 5 लाख वोटर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, जितनी चाहे धुलाई कर ले, लेकिन भगा मत। अरे हाँ, जेब में 5 लाख वोट भी तो है ना। इस जन्म में कभी नहीं बोलूंगा, मुझे छोड़ दे। मैं तैयार हूँ, मार दो गोली। मुझे नहीं, ऐसा कुछ मत करो। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर प्रकाश की फाइल में इसके दस्तखत ले लेना। वहाँ किसने? यही पेपर दे दो, दस्तखत कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम प्रकाश को फौरन गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने हमें परमिशन दे दी है। तो एसीपी गुरु, प्रकाश को गिरफ्तार करना ही आपकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि उस दरिंदे से वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी ही है। इनका परिवार सही सलामत दिल्ली पहुंचना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी भी हमारे डिपार्टमेंट की है। जी हाँ सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। आखिर उसने मुझ पर गोली चलाने के ऑर्डर्स ले ही लिए उस परम गुरु ने। सुन ले परम गुरु, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा कत्ल कर दूंगा। मेरे परिवार को फौरन किसी महफूज जगह पर ले जाओ। ए, उस परम गुरु का साथ देने वाले वीरेंद्र के परिवार में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको काट डालो, एक एक बच्चे को खत्म कर दो, और उस परम गुरु को बताओ, जाओ अपने सारे आदमियों को लेकर जाओ, फौरन जाओ। सर शुक्रिया, सर शुक्रिया, शुक्रिया। आइए सब, जाओ सब। चलो बच्चों। Oh!
सर थैंक यू, तुम सच में जाबाज हो। ये तो मेरा फर्ज था सर। सर एक ईमानदार जज की जान को गुंडों से खतरा है, ये बात पूरे शहर को पता चल गई थी सर, इसीलिए हम यहाँ जमा हुए। इनका पीछा करने वाले गुंडों को हमने ही मारा है सर। आज के बाद से जनता के लिए काम करने वाले ईमानदार ऑफिसर।